अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा वीडियो का इंतज़ार जिसका है वो ये वाली वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो जो है ये आपको इंशाल्लाह 50 नंबर जो है वो एग्ज़ाम में लेके देगी। स्टूडेंट मुझसे एक सवाल पूछ रहे थे, मैं दो तीन बातें क्लियर कर दूँ फिर हम एमसीक्यूज़ फॉर्म स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सवाल ये पूछ रहे थे कि सर अगर हम ये कर लें तो हमारा पेपर हो जाएगा। यार आपके इंशाल्लाह 50 आ जाएंगे, इनको जो दो घंटे की जितने की भी वीडियो बन रही है आपने देखनी है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ तो 155 हैं, साथ साथ मैंने डिफरेंट वेरिएशंस भी डिस्कस की हुई है कि अगर ये फॉर्मूला ना आया तो हल्की पुल्की चेंजिंग के साथ आ सकता है, और वो चेंजिंग क्या होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ज़रूरी नहीं कि जो 50 एमसीक्यूज़ आएंगे उसमें से सब यही कॉपी होंगे, मे बी सॉरी जो 25 एमसीक्यूज़ होंगे, दो नंबर के एमसीक्यूज़ हैं, मे बी 20 एग्जैक्ट इसी पीडीएफ से हों, पांच जो है वो हल्की पुल्की चेंजिंग के साथ हों। तो ये वीडियो में जो मैं समझा रहा हूँ ना वो मैं चेंजिंग आपको बता रहा हूँ, अगर इस फॉर्मूले में चेंजिंग करेंगे तो आप किस तरीके से उसको सॉल्व करोगे, एक बात। दूसरी बात यार, इस वीडियो को काइंडली शेयर कर देना आप लोग। उसकी रीज़न ये है कि इस वीडियो से मुझे मिलेगा कि सब लोग दुआएं देंगे, जाहिर सी बात है सबका काम कंप्लीट हो रहा है, तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप हैं, जहां जहां तक आप लोग शेयर कर सकते हो, जितने लोगों की हेल्प कर सकते हो, आपको भी मिलेगा सवाब ऑब्वियसली, क्योंकि आप भी जरिया बन रहे हो। तो कोशिश करना, ये सदका जारिया है, मरने के बाद ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं, तो कोशिश करना जहां तक हो सकता है पॉसिबल इस वीडियो को लाजमी शेयर कर देना। मैं तभी एक ही वीडियो बना रहा हूं ताकि दो तीन ना हो, एक ही को शेयर करो, इसी में आपको सबको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि यार जो मैं इसमें डिस्कस करूंगा उसमें पुराना नॉलेज आपका क्या होना चाहिए, आपको चैप्टर्स की नोहा होनी चाहिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो उसमें जितने रूल्स थे डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, वो आपको पता होने चाहिए, मैं भी डिस्कस करूंगा लेकिन वो आपको भी पता होने चाहिए। तो रूल्स, फॉर्मूले, प्रॉपर्टीज, थ्योरम, ये जो आप सब्जेक्टिव में करते हुए आ रहे हो ये पहले से पता होना चाहिए, उसके बाद आपको चीज़ें समझ आएंगी। और चौथी चीज़ और आखिरी चीज़ के जो मैं पीडीएफ दिया है ये आपके सामने हार्ड कॉपी में मौजूद हो, आपने इसको प्रिंट करवा लिया हो, उसके बाद जो जो मैं एमसीक्यूज़ बताता जा रहा हूँ आप लोग मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। बस अब स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर वन में फंक्शन का पोर्शन हट गया है लेकिन एक दो एमसीक्यूज़ फिर भी मैंने डाले हैं एहतियातन। लिमिट पर आ जाओ, सबसे पहला सवाल जो है वो ये लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स की पावर पी माइनस सी की पावर पी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी। अब आपने इसको, इसकी फॉर्म देखनी है, ये फॉर्म क्या होगा, आपके पास दोनों के ऊपर पावर सेम होगी, नीचे दोनों की पावर नहीं होगी, जैसे ऊपर एक्स और सी दोनों की पावर पी है, नीचे एक्स और सी दोनों की पावर वन है, दोनों में दरमियान में नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है इस कॉन्स्टेंट के पास, ये इसकी फॉर्म है। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं, मैं इसको इस तरह कर दूं और लिमिट अप्रोच कर रही हूं टू के पास, देखो एग्जैक्ट वही चीज है, यहां भी टू, ऊपर दोनों की पावर सेम है, लेट कर लो पेपर में आपके पास ये फोर के साथ आए तो आप इसको चेंज कर देना टू का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर दोनों की पावर सेम है, नीचे दोनों की पावर वन है, x यहां पे कहां अप्रोच कर रहा है, जो कांस्टेंट लिखा हुआ है उसके पास अप्रोच कर रहा है। अच्छा x ना हो, y आ जाए, z आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, अगर ये पूरी फॉर्म है इसकी तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, इसका आंसर ये होता है कि जो भी पावर है उसको लिखो, जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है यहां पे उसको लिखो, और उसमें जो पावर है उसको 1 माइनस कर दो। ये काइंड ऑफ डेरिवेटिव समझ लो आप, डेरिवेटिव में भी इसी तरह होता था, ये उसी टाइप से है, उस तरह याद रख सकते हो कि जो पावर है वो आपने पहले लिख दी, जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसकी पावर में से जो पी है ना वो वन कम कर दो। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ये 1.6 का फॉर्मूला है, उसमें आप ये सवाल ये यूज़ कर रहे होते हो। तो देखो मैंने फॉर्म बता दिए, मैंने एग्जांपल भी दे दिए, वेरिएशन भी बता दिए कि इस तरह भी वो दे सकते हैं, वो क्यूब कर दें, वो इस तरह सवाल भी आ सकता है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, लिमिट अप्रोच कर रही है ए के पास, एग्जैक्ट यही फॉर्म है, पावर थ्री पहले लिख देना, कॉन्स्टेंट ए है यहाँ पे, पावर में से वन कम कर देना, ठीक है। टू जो है, अच्छा मैंने एक बहुत अच्छी काम बहुत अच्छी चीज़ें की हुई है कि जो सिमिलर है मैंने उनको एक साथ रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, ये आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी कि मैं बताऊंगा कि इसकी वेरिएशन ये भी आ सकती है। अब जो पहला मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला है, मैं टू की बात कर रहा हूँ, यार एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और सॉरी फॉर्म है 1+1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। अब ये बेसिक फॉर्म है पूरा, इस पूरी चीज़ का आंसर ई होता है, एग्जाम में पास पेपर में आपको ई एमसीक्यू नज़र आएगा, एग्जैक्ट यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के पास, तो आंसर इसका ई के बराबर है, ठीक है।
अब इसके अंदर ये है एमसीक्यूज नंबर टू का आंसर, ऑप्शन नंबर सी है। थ्री जो है वो इसकी वेरिएशन है। वेरिएशन क्या है कि अगर यहां पे कोई भी चीज आ रही है, जैसे एमसीक्यूज नंबर थ्री पे क्या आ रहा है, वो है वन प्लस थ्री अपॉन, अच्छा वेरिएबल चेंज किया हुआ है, वेरिएबल से कोई मसला नहीं होता, वेरिएबल से आपने घबराना नहीं है। असल में होता ये कि इस पूरी चीज का आंसर ए होता है, फिर यहाँ पे जो x के ऊपर लिखा हुआ है और यहाँ पे जो x के साथ है, x के साथ भी 1 है ना, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, उसको a की पावर बना दो, तो हम a की पावर 1 नहीं लिखते, हम खाली a लिख देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो, इधर 3 आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, तो a तो अपनी जगह पे आ जाएगा, लेकिन 3 2 सा क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा a की पावर 6। ठीक है, तो अगर खाली इस तरह है इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर वेरिएशन आ जाए, लेट कर लो यहां पे 3 आ जाए, यहां पे 2, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, उसको पावर बना दो ई की। ठीक है, और अगर यहां पे 2 ना आए, फिर इसका मतलब यहां पे 1 है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अब 3 हो जाएगा, या यहां पे कंसीडर करो 1 आ जाए और यहां पे 2 आ जाए, अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा ई का स्क्वायर। तो वेरिएशन डिफरेंट आ सकती है, असल फॉर्म ये वाली है कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप लोग इतने स्मार्ट हो गए, आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो 2 का आंसर सी हो जाएगा, 3 का आंसर डी हो जाएगा। 4 जो है वो भी आपने 1.7 में फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, वो भी इसी टाइप का है। उसमें लिमिट जो है वो 0 के पास अप्रोच करती है 1 प्लस एक्स, जैसे इधर होता था 1 अपॉन एक्स और बाहर होता था एक्स, इधर एक्स है और बाहर होता है 1 अपॉन एक्स, तो इस पूरी चीज का आंसर ई होता है। इसमें नॉर्मली वेरिएशंस आती नहीं है, लेकिन अगर आई तो अगेन वही चीज, इधर जो चीज लिखी होगी उसको आप मल्टीप्लाई करोगे जो यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है, इधर जो लिखा होगा उसको मल्टीप्लाई करोगे इससे और उसको पावर बना दोगे ई के, अगर वेरिएशन आई, वरना इसमें आती नहीं है, इसमें भी नहीं आती, वो इतना कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन मैं बुरे वक्त का बता रहा हूँ कि अगर हल्की सी भी वेरिएशन आ जाए तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। तो इस पूरी चीज़ का आंसर भी ई के बराबर होगा। एमसीक्यूज में एच लिखा हुआ है, मैटर नहीं करता, मैं एक्स की जगह यहाँ पर एच लिख दूँ, फॉर्म ये वाली होनी चाहिए, वेरिएबल कुछ भी हो। तो ये आपने 1.7 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो उसको नोट कर लेना, इसका आंसर सी होता है। इसी तरह 5 जो है वो काफ़ी मशहूर फॉर्मूला है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो e की पावर x माइनस x डिवाइडेड बाई x, ये पूरी चीज़ जो है ये 1 के बराबर होती है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। 6 जो है, अब 6 की मैंने 3 वेरिएशन लिखी हुई है यहाँ पे। 6 जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो ये वाला है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये पूरी चीज़ 1 के बराबर होती है। अब इसकी ज़रा वेरिएशन देख लो, किस किस तरीके से सवाल आ सकता है। सबसे पहली चीज़ वो इस तरह दे दें आपको कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x अपॉन x, तो याद रखना अगर एंगल के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, छोड़ दो बाकी कॉन्सेप्ट को, x के साथ 2 लिखा हुआ है ना, डायरेक्ट 2 आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये आ जाए, ये एमसीक्यू नंबर 7 है, तो क्या फर्क पड़ा, पहले x के साथ 2 आ रहा था, अब x के साथ क्या आ रहा है 4/5, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4/5, प्रोवाइडेड के लिमिट अप्रोच कर रही है 0 के पास। तो x के साथ जो भी चीज आ रही होगी वो लिमिट का आंसर हो जाएगा। यहां पे x के साथ 2 आ रहा था तो 2 आंसर हो गया, यहां पे x के साथ 4/5 आ रहा था तो 4/5 आंसर हो गया। ये कोई मुश्किल बात है, इजी है। तो एक वेरिएशन तो ये आ सकती है, सिंपल फॉर्मूला ये था, पहली वाली वेरिएशन ये थी कि उन्होंने 2 डाल दिया यहां पे, तो वो आंसर में आ जाएगा। अब दूसरी वेरिएशन क्या हो सकती है, वो एमसीक्यूज नंबर 8 है। एमसीक्यूज नंबर 8 में लिखा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा अपॉन 7 थीटा। देखो एंगल से आप कोई चीज़ बाहर नहीं निकाल सकते थे, तो तभी इसका आंसर 4/5 आता था। यहाँ पे नीचे जो है ये 7 आप हटा सकते हो, आपने पढ़ा होगा लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि आप कॉन्स्टेंट को बाहर कर सकते हो लिमिट से, तो 7 को ना आप एक काम करो, लिमिट से बाहर कर दो, मसला हल। अब मुझे बताओ ये पूरी चीज़ क्या है, ये पूरी चीज़ तो फॉर्मूला है ना जो मैंने पहले लिखवाया था, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है। इस पूरे की 1 को 1/7 से मल्टीप्लाई करो 1/7 आ जाएगा। अब देखो दो वेरिएशन मैंने आपको बताई हैं, एक तो अगर एंगल के साथ जो चीज आ रही है आंसर वही हो जाएगा, प्रोवाइडेड के लिमिट अप्रोच कर रही हो 0 के पास। नॉर्मली वो कंफ्यूज नहीं करते इंटर लेवल में, वो 0 के पास ही लिमिट अप्रोच कर रही होती है, लेकिन देख लेना अगर कोई और नंबर होगा ना तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा लिमिट में भी ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लिमिट आप पहले डायरेक्ट पुट करते हो, अगर इसमें डायरेक्ट मैं 0 पुट करूंगा ना
एक्स की जगह पे, तो ऊपर भी जीरो आ जाएगा नीचे भी जीरो, जिसको आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हो, तभी आप इसको चेंज करते हो और पूरी 1.6 1.7 इसी पे बेस हुई भी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक्स की कोई और वैल्यू आ जाएगी तो आप पुट करके देख लेना, मे बी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना आ रही हो, वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं करते वो आपको, वेरिएशन मैंने दो बताई हैं, अगर एक्स के साथ कोई चीज़ लिखी हुई है वही आंसर हो जाएगा, और अगर नीचे एक्स के साथ कुछ आ रहा है जैसे यहाँ पे 7 आ रहा था तो उसको बाहर करना, ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों वेरिएशन को मैं कंबाइन कर देता हूँ जो एमसीक्यूज नंबर 6 है। एमसीक्यूज नंबर 6 है एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पी एक्स डिवाइडेड बाय एम एक्स। आप लोग मेरे ख्याल में इतने स्मार्ट हो कि आप इसको कर सकते हो, मुझे यकीन है आप लोगों पे। कैसे करोगे, ये m को सबसे पहले बाहर कर देना, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पूरी चीज का आंसर क्या होगा। मैंने बताया था x के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो आंसर में आ जाती है, इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा, p के बराबर होगा। जैसे यहां पे था ना, x के साथ 2 आया था तो आंसर 2 हो गया था, यहां पे x के साथ क्या आया है, p आया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, p के बराबर हो जाएगा। इस p को मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन m से, तो ये हो जाएगा p अपॉन m। ये करना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहला ये फॉर्मूला था, ये पहली वेरिएशन थी, अगर x के साथ कोई चीज आ रही है वो आंसर में आ जाएगी, जैसे 4 अपॉन 5 था वो आंसर में आ गया। अब अगर नीचे कोई चीज आ रही है तो उसको आप बाहर निकालते हो, ये पूरी चीज 1 होती है तो आंसर डायरेक्ट 1 अपॉन 7 आ जाता है। अगर ये दोनों वेरिएशन कंबाइन कर दो, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो जो नीचे आ रहा होगा उसको बाहर कर देना, जो ऊपर आ रहा होगा वही आंसर होगा, उसको 1 अपॉन m से मल्टीप्लाई करो, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी चार ही किस्म से सवाल आ सकता है, इसके अलावा कोई और है ही नहीं कि जिससे सवाल आएगा। ये मैंने चारों तरीके आपको बता दिए, मैं आप लोगों को पैरों पे खड़ा कर रहा हूँ, बजाय ये कि मैं आपको हर एमसीक्यू उसका आंसर बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या क्या खेल सकते हैं, इसके अलावा उनके पास और कोई तरीका नहीं खेलने का, वो इसी में खेलेंगे। 9 में लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन टेंजेंट एक्स। अब देखो अगर आप डायरेक्ट जीरो पुट करोगे तो 0 अपॉन 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, या आई गेस बुक का क्वेश्चन है 1.6 का, तो इसमें जो हम बुक में करते थे वही काम करो इसमें आप, कि आप ऊपर भी x से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड करो और डिनोमिनेटर को भी आप x से डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, ठीक है। उसके बाद जब आप न्यूमरेटर पे लिमिट अप्लाई करोगे तब भी 1 आता है, ये वाला फॉर्म है ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x, ये भी 1 के बराबर होगा। और जो ये फॉर्मूला आपने साइन की फॉर्म में देखा है, सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला टेंजेंट की फॉर्म में भी होता है, कि ये पूरी चीज में अगर टेंजेंट आ जाए तो तब भी यही फॉर्मूला होता है, टेंजेंट एक्स अपॉन एक्स वो भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो जो डिनोमिनेटर है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 10 में आ जाओ, 10 भी है आपका 1.6 का स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही है, इसमें लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 के पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 3। दिखने में लग रहा है आपने फैक्टराइज करना है, न्यूमरेटर पे आप फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, तो आप लिखो x प्लस 3 एक्स माइनस 3, क्या किया आपने फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये x माइनस 3 अपनी जगह पे आ गया, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल करो, डायरेक्ट x प्लस 3 आ रहा है, लिमिट अप्रोच कर रही थी 3 के पास, आप x की जगह 3 पुट करो, 3 प्लस 3 क्या होता है, 6 के बराबर होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 पे आ जाओ, अच्छा 11 वो सवाल है कि जिसमें आपको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें हम चेंज क्यों करते हैं, हम हर सवालों में चेंज इसलिए करते हैं कि जब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हो ना तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आती है, मतलब 0 अपॉन 0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ये आ रहा होता है, जैसे इसमें भी आप अगर 3 पुट करो तो ऊपर भी 0 हो जाएगा नीचे भी 0 हो जाएगा, तभी आप इसको चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर लिमिट पुट करने के बाद 0 अपॉन 0 ना आए तो वही आपका आंसर होता है, जैसे अगर इसमें 0 अपॉन 0 ना आता तो वो मेरा आंसर होता, 0 अपॉन 0 आया तभी मैंने फंक्शन को चेंज किया और सिंप्लीफाई किया। लेकिन जो अगला सवाल है ना 11, उसमें ये पूरा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x5 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2xx प्लस 17x4। ये कहीं पास पेपर में आपको मिलेगा नहीं, ये मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है कि भाई अगर कोई ऐसा सवाल हो कि जिसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट पुट करो वही आपका आंसर है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। इसमें लिमिट अप्रोच कर रही है 0 के पास, तो मुझे बताओ अब इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है,
आप यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू आप जीरो पुट कर रहे हो। इसमें x आ रहा है क्या? नहीं, तो इसमें 8 ही रहेगा बस। इसी तरह यहाँ x की जगह जीरो पुट करो, जीरो, यहाँ पे पुट करो जीरो, यहाँ पे पुट करो जीरो, यहाँ पे क्या रहा है? 5। अब मुझे बताओ मसला है इसके अंदर, 8/5 इसका डायरेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना, ये नहीं कि आंखें बंद करके बस सवाल को मिडिल टर्म ब्रेक करके को सोच करने लग जाओ, डायरेक्ट पुट करके देखो, अगर इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रही तो वो आपका आंसर है, 8/5 इसका आंसर हो जाएगा। 12 में लिखा हुआ है लिमिट a अपॉन x, ये फंक्शन है और यहाँ पे x जो है वो इन्फिनिटी के पास अप्रोच कर रहा है। अच्छा, MCQ जो मैंने पहले ही बताया था, स्टेप्स मैटर नहीं करते हैं, आप स्टेप ना करो, जिस तरह आप कर सकते हो ना बस सही होना चाहिए, जिस तरह बेहतर समझते हो आप उस तरह कर दो। जैसे मैं लिमिट LIM लिखने की जरूरत ही नहीं है, बात आप लोगों को समझ आ रही है कि लिमिट इन्फिनिटी के पास अप्रोच कर रही है, दैट्स इट। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो एग्जाम में। तो नीचे x जो है वो इन्फिनिटी हो रहा है, तो याद रखना जब डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाए तो आंसर आपका जीरो हो जाता है, प्रोवाइडेड ऊपर जो भी लिखा हो। यहाँ पे तो ऊपर a लिखा हुआ है, ऊपर 10 लिखा हो, 20 लिखा हो, 100 लिखा हो, 1000 लिखा हो, अगर डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ गया तो आपका आंसर जीरो हो जाएगा, और इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो आपका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। इन दो चीज़ों को याद रखना है। तो बहरहाल यहाँ पे डिनोमिनेटर x जो है वो इन्फिनिटी हो रहा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो, ऑप्शन नंबर डी। और 13 आखिरी सवाल है। अब ये पोर्शन है तो नहीं फंक्शन का, लेकिन मॉडल पेपर में भी एक सवाल उन्होंने फंक्शन का दिया हुआ था, बहुत बेसिक सा, कि उसमें आपने वैल्यू पुट करनी थी। फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है f(x) = √1 - x, इसमें आपको पुट करना है -3, तो आप x की जगह पुट कर दो -3, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + 4 क्या होता है? 4 के बराबर। स्टूडेंट को इतनी कन्फ्यूजन है इस चीज़ की, मुझे भी होती थी, कि √4 का आंसर ±2 होता है। भाई √4 का आंसर 2 ही होता है, याद रखना, √4, √9, √16 जब रूट आ जाए ना इसका आंसर पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव नहीं होता। कैलकुलेटर में डालो, कैलकुलेटर नेगेटिव थोड़ी ना देता, √4 का आंसर कैलकुलेटर 2 ही देगा, √9 का आंसर कैलकुलेटर 3 देगा। वो प्लस माइनस उस वक्त आता है जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो, जब आप दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, उस वक्त आप प्लस माइनस लगाते हो, उसकी रीजन भी होती है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप रूट का सिंबल देखो ना, तो रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, याद रखना इस चीज को। तो इसमें बी ऑप्शन ±2 है वो ठीक नहीं होगा, जो पॉजिटिव वाला आंसर है ना 2, वो इसका ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसके MCQs हमने कामयाबी के साथ कर ली है, तकरीबन 15-16 मिनट की वीडियो बनी है, 15 मिनट की बन गई है, तो हम अपनी स्पीड थोड़ी हल्की सी तेज रखते हैं, या इतनी रखते हैं यार, पूरा चैप्टर 1 यही है आपका। चैप्टर 1 से जो भी 2-3 MCQs आएंगे वो इसी तरह आएंगे, वही लिमिट के होंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से डिटेल में बता दिए कि आपने किस तरह लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, क्या क्या वेरिएशंस आएंगी। MCQs तो और भी बहुत हैं यार, लेकिन इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास करने का, हल्का फुल्का रिस्क चलता है क्योंकि टाइम कम है। इस एक MCQs के लिए आप अपना टाइम ज़ाया करो, बेहतर है कि वो वाले MCQs कर लो जिसमें 95% वही आएंगे, अगर एक कोई हटके भी आ गया तो छोड़ सकते हो आप लोग। ऑब्वियसली भाई टाइम कम है आप लोगों के पास, ये तो हल्का सा लेना पड़ेगा आपको, लेकिन होगा नहीं, इंशाल्लाह घबराना नहीं। चैप्टर 2 में यार बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, जैसे 2.1 की बात करो डिस्टेंस फार्मूला, 2.2 पे आ जाओ मिड पॉइंट, सेंट्रॉयड और इन सेंटर, 2.4 में स्लोप है, इंक्लिनेशन है, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, 2.5 में स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो सब आपको आनी चाहिए, सब मैंने प्रोवाइड की हुई है। जो PDF है फॉर्मूले का वो भी मैं लगा दूंगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, उसमें सब फॉर्मूले हैं सेकेंड ईयर के, तो फॉर्मूले लाजमी याद रख लेना। 1 में लिखा हुआ है आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, किन दो पॉइंट्स के दरमियान? पहला पॉइंट है म्यू कॉस थीटा, दूसरा पॉइंट है म्यू साइन थीटा, सॉरी ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। डिस्टेंस फार्मूला बड़ा ईजी होता है, आप स्क्वायर रूट लगाओ, दोनों एक्स वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, म्यू कॉस थीटा माइनस जीरो, म्यू कॉस थीटा ही आ जाएगा, और फिर स्क्वायर कर दो, तो म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ किस तरह डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे, कि दोनों एक्स को माइनस करो आपस में, म्यू कॉस थीटा माइनस जीरो क्या होगा? म्यू कॉस थीटा, और फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर दरमियान में पॉजिटिव लगाओ, अब दोनों के वाई को आपस में माइनस कर दो, म्यू साइन थीटा माइनस जीरो, म्यू साइन थीटा होगा, उसका स्क्वायर कर दो, म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब आप म्यू स्क्वायर कॉमन ले लो,
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरी चीज 1 होगी, अंदर क्या बचेगा म्यू स्क्वायर। म्यू स्क्वायर का जब आप रूट लोगे तो 2 से स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट, जस्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा म्यू के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। 2 में अगेन डिस्टेंस फार्मूला टाइप का क्वेश्चन ही है ये, लेकिन इसमें बहुत इजी आंसर होता है कि अगर आपको बोला जाए कि एक पॉइंट गिवन है, मैं दोनों एमसीक्यूज बता देता हूँ, दोनों तरीके से आ सकता है। एक रैंडम पॉइंट है 2.3, या मैं यही वाला पॉइंट ले लेता हूँ 4.5। आपको बोला जाए, गौर से मेरी बात को सुनना, आपको बोला जाए इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या है। तो जब पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा जाए तो आपने वाई वैल्यू बतानी है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से अगर पूछा जाए तो आप वाई वैल्यू बताओगे 5। इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 5 है। और अगर आपसे बोला जाए इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से बताओ तो आपने बतानी है एक्स वैल्यू। उल्टा होता है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो वाई वैल्यू बताओ, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाए तो आप एक्स वैल्यू बताओ। तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस से 5 यूनिट के फासले पे है, ये पॉइंट वाई एक्सिस से 4 यूनिट के फासले पे। तो इस एमसीक्यूज में वाई एक्सिस का ही पूछा गया था, तो 4 जो है वो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में मैंने चीज कवर कर दी है। अब स्लोप से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स हैं, वो ज़हन में रख लेना। सबसे पहली बात, लो एक सेकंड, सबसे पहली बात, स्लोप आपको कुछ लाइंस का पता होना चाहिए। मैं जरा बता देता हूं, सब एमसीक्यू इसी में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या होता है। इंक्लिनेशन को हम अल्फा से लिखते हैं। एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन होता है 0 डिग्री, वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री। पहला एमसीक्यूज, दो एमसीक्यूज कवर हो गए यहां पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो एमसीक्यूज कवर किए मैंने। अब दो और कवर करता हूं, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन भी 0 डिग्री होगा, तीसरा एमसीक्यूज। चौथा, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा, 90 डिग्री। x एक्सिस का 0 तो उसके पैरेलल कोई लाइन होगी उसका भी 0। y एक्सिस का 90 तो y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगी उसका भी क्या होगा, इंक्लिनेशन 90 डिग्री हो जाएगा। ये 4 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए हैं, अभी डिफरेंट नाम से भी आ सकते हैं। अगर आपको बोला जाए इंक्लिनेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, y एक्सिस को आप क्या बोलते हो, वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, 90 डिग्री, पांचवा एमसीक्यूज। छठा एमसीक्यूज, इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, उसका इंक्लिनेशन क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो 6 बातें मैंने डिस्कस की हैं। अब 6 एमसीक्यूज में है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, कोई 6 में से एग्जाम में आ जाए आप आसानी से उसको कर सकते हो। ये मैंने बात की इंक्लिनेशन, स्लोप पे आ जाओ, मैं यहां पे बना देता हूं। एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, आमतौर पे अनडिफाइंड भी लिखते हैं इसको, हम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं और अनडिफाइंड भी लिख देते हैं, फर्क है लेकिन सेम ही है, यही समझ लो आप, इन्फिनिटी भी हो सकता है अनडिफाइंड भी हो सकता है। इसी तरह दो बातें डिस्कस की हैं, दो एमसीक्यूज। तीसरा एमसीक्यूज, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप भी 0 होगा। चौथा एमसीक्यूज, कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो 4 बातें मैंने डिस्कस कर ली यहाँ पे। अब 5वीं 6ठी खुद लगा सकते हो, स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन 0, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन इन्फिनिटी। 6 बातें मैंने डिस्कस कर ली हैं। अब 6 और 6, इन 12 में से कुछ भी आ सकते हैं आपके पास। तो मैंने आप लोगों को रट्टा नहीं लगवाया, मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब खुद थोड़ा सोच के उस रास्ते में आगे चले जाना आप, ठीक है। अब इसमें से इन्होंने क्या पूछा हुआ है, स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन पूछा हुआ है। ऑब्वियसली आपने देखा स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसको अनडिफाइंड भी हम कहते हैं। अच्छा, 4 में सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब वीडियो बंद हो जाती है, पता नहीं क्या कीड़ा होता है मोबाइल को। खैर, मेरे ख्याल में यहां तक मैंने बात बता दी थी आप लोगों को, दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि शायद ये मिस हुई हो बात, कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसका स्लोप भी 0 होगा। y एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी होता है, कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और सेम इनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोला जाता है, ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तीसरी चीज, मैंने इनकी इक्वेशन डिस्कस की थी, याद रखना जो x एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, जो y एक्सिस है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। दो बातें हो गई, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो ये y को क्रॉस कर रही है ना,
y एक्सिस को, तो इसकी इक्वेशन में y आएगा इक्वल सम कांस्टेंट c, वेयर c का मतलब क्या है कि ये लाइन जो है ये x एक्सिस से कितना ऊपर है, अगर ऊपर होगी c पॉजिटिव, नीचे होगा तो c नेगेटिव। तो कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू कांस्टेंट, और अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो परपेंडिकुलर किसके होगी, y एक्सिस के। तो इस तरह भी सवाल आता है कि अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, भाई ऑब्वियस सी बात है कि ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है ना, तो ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है और पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू c। इसी तरह कोई ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू c, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर होगी, x एक्सिस के ऊपर होगी। तो अगर लाइन x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, और इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू c, वेयर अगर वो लाइन y एक्सिस के राइट पे है तो c पॉजिटिव, अगर वो लेफ्ट पे है तो c क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से आपके जो MCQs नंबर 6 और 7 है वो कवर हो जाएंगे। अच्छा, मैंने शायद पता नहीं कहां तक करवाए होंगे, मुझे याद नहीं है। 4 तो लाइन पैरेलल x एक्सिस का स्लोप 0 हो जाएगा, 5 में y एक्सिस का इंक्लिनेशन पूछा है 90 डिग्री होगा, 6 में पूछा है फिर लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, अगर कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो पैरेलल टू y एक्सिस, उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू c, ऑप्शन नंबर c। 7 में बोला है इफ x इक्वल टू a, वेयर a इक्वल टू 0, मतलब a की जगह आप 0 पुट कर दो, तो ये किस लाइन की इक्वेशन है, अभी बताया था x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन होती है। ठीक है, तो MCQs नंबर 7 जो है वो भी यहाँ पे कवर हो गया। 8 पे आ जाओ, 8 पे मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ है, लिखा हुआ है मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3 टू अ लाइन विद अ स्लोप 5, तो फ्रॉम ये स्लोप है टू ये स्लोप है, ये वर्डिंग याद रखना, फ्रॉम अ लाइन विद स्लोप 3 टू अ लाइन विद स्लोप 5, तो 3 5, तो जहां पे 2 होगा ना, 2 के बाद जो लाइन आ रही है उसको पहले लिखोगे, और जो फ्रॉम के बाद आ रहा था उसको बाद में लिखोगे, और आपस में इनको क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 2 के बाद ये वाली लाइन थी ये पहले लिख दी, फ्रॉम के बाद ये वाली लाइन का स्लोप था ये आपने बाद में लिख दिया, दरमियान में आप क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, 5 × 3 क्या होता है, 15 होता है। ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 से ऑनवर्ड ही आप टॉपिक कर रहे थे। 2/16 होगा, सॉल्व करो 1/8 थीटा निकालो, टेंजेंट इनवर्स 1/8 आ जाएगा। उसके बाद 9 में था कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वो वाली होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, x और y अगर आ रहे हैं तो दोनों की पावर 1 होगी, तो लीनियर इक्वेशन को जब भी आप ड्रॉ करते हो तो वो स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 10-11 में आप लोगों को बता रहा था कि यार 3 चीजें होती हैं, सबसे पहली चीज मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को आप सेंट्रोइड कहते हो, दूसरी चीज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ऐसी लाइंस जो इंटरनल एंगल है ना उनको बाइसेक्ट कर रही हैं, तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हो, इन सेंटर। तीसरी चीज ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्थो सेंटर। तो ऑल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलेंगे ऑर्थो सेंटर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे इन सेंटर, मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलेंगे सेंट्रोइड। तो 10वां MCQ मीडियंस वाला है ऑप्शन नंबर सी, 11 MCQ इंटरनल बाइसेक्टर वाला है ऑप्शन नंबर ए। 12 पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगी उसमें कांस्टेंट नहीं होगा, तो आप जरा देखो ऑप्शन नंबर ए वाहिद ऑप्शन है जिसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये वाली लाइन जो है ये पास कर रही है ओरिजिन से। ठीक है, बाकी सब आप इक्वेशन देखो उसमें आपको कांस्टेंट नजर आ रहा होता है। 13 पे आ जाओ, 13 टॉपिक है सेंट्रोइड का, आपको सेंट्रोइड निकालना है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है सेंट्रोइड निकालने का, कि अगर आपके पास 3 पॉइंट लिखे हुए तो आप तीनों की एक्स वैल्यू को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 कर दो, जैसे पहले पॉइंट में एक्स वैल्यू है 2, दूसरे में है 8, तीसरे में है 9, तो ऐड करो ये 19 हो जाएगा और 3 से डिवाइड कर दो। इसी तरह पहले में y वैल्यू है 8, दूसरे में y वैल्यू है 2, तीसरे में है y वैल्यू 9, 8 प्लस 2 प्लस 9 19, उसको 3 से डिवाइड कर दो। इत्तफाक से दोनों सेम आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सेंट्रोइड किस तरह निकालोगे, तीनों x वैल्यू को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, कॉमा तीनों y वैल्यू को ऐड करो डिवाइडेड बाय 3, आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना सेंट्रोइड जो है ये जो भी मीडियंस होते हैं ना ट्राइंगल में, जो भी मीडियंस है उसको 2:1 के रेशो में कट करता है।
2:1 के रेशो में कट करता है सेंट्रोइड मीडियंस को, इस बात को याद रखना। 15 टॉपिक यार ये x और y इंटरसेप्ट वाला है, ये 2.4 में आपको मिल जाएगा। सिंपल, अगर आपको इक्वेशन में x इंटरसेप्ट निकालना है तो आप इक्वेशन में y पुट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो, x इंटरसेप्ट आ जाएगा। और अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो और y वैल्यू निकाल लो। जैसे 15 जो है उसमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मौजूद है और आपको बोला गया है कि इसमें आप x इंटरसेप्ट निकालो, तो आपने क्या करना है, इक्वेशन में जहां y लिखा हुआ है ना उसकी जगह 0 पुट कर दो। तो अब ऑब्जर्व करोगे, जब आप y की जगह 0 पुट करोगे तो वो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर में पुट करना आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है किस तरह आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो। तो इक्वेशन थी ये वाली, y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो y की जगह 0 पुट करो, इक्वेशन ये वाली हो जाएगी। सॉल्व करना इसमें, एक x की वैल्यू 1 आ जाएगी, एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी, मतलब कैलकुलेटर सॉल्व करना ना। 16 में लिखा हुआ है, अच्छा स्ट्रेट लाइन के अंदर भी यही होता है, इसी तरह आप x और y इंटरसेप्ट निकालते हो। जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है 16 में, तभी मैंने एमसीक्यू उसको साथ साथ रखा हुआ है, के एक्स माइनस 3y इक्वल टू 4k। अब लिखा हुआ है कि आप वैल्यू ऑफ k निकालो, मतलब आपको यहाँ पे k निकालना है और y इंटरसेप्ट क्या है, 4 के बराबर है। तो सबसे पहले y इंटरसेप्ट तो निकालो, y इंटरसेप्ट कैसे निकालोगे, x की जगह 0 पुट कर दो, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पीछे बचेगा माइनस 3y एंड 4k, y की वैल्यू निकालो, माइनस 4k अपॉन 3 आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन का ये y इंटरसेप्ट है, सवाल में गिवन है कि y इंटरसेप्ट 4 के बराबर है, तो इस पूरी चीज़ को आप 4 के बराबर रखो, y इंटरसेप्ट को आपने 4 के बराबर रखा, कैंसिल करो, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 को जाके मल्टीप्लाई करवा दो, इस माइनस को भी उधर शिफ्ट करवा दो, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 आ जाएगी। 17 में, अच्छा ये टॉपिक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने का होता है। अब 2-3 काफ़ी मशहूर MCQs हैं, या तो स्लोप इंटरसेप्ट से आप इक्वेशन निकालोगे, या आप 2 पॉइंट से निकाल लोगे, या आप स्लोप पॉइंट से निकाल लोगे। ये 3 काफ़ी मशहूर फॉर्म है, इससे आप इक्वेशन निकाल रहे होते हो MCQs में। ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग जहन में रख लेना। स्लोप इंटरसेप्ट वाला तो सवाल आ गया है कि आपको 17 में बोला हुआ है कि एक लाइन है जिसका स्लोप है -3 और एक लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना y इक्वल टू mx प्लस b, उसमें जो b होता है उसको आप y इंटरसेप्ट कहते हो। तो आपको स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है, आपको इक्वेशन चाहिए, तो आप कंसीडर करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें स्लोप की जगह आप m की जगह पुट कर दो -3 और b की जगह पुट कर दो 2। अरेंज करो -3x को उधर लाओ पॉजिटिव, y अपनी जगह पे है 2 को उधर ले आओ नेगेटिव, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक है, ठीक है। 18 पे आ जाओ, अब ये स्लोप पॉइंट वाला फॉर्मूला है। आपको लिखा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो पास कर रही है इस पॉइंट से 6.2 से, विच इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/4। याद रखना, ये मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, गौर से सुनना। अगर आपके पास एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है, तो जो इस लाइन के पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप भी क्या होगा, 2 होगा। और जो लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप डायरेक्ट किस तरह निकालोगे, आप 2 को रेसिप्रोकल करो 1/2 और इसका साइन पॉजिटिव है इसका नेगेटिव कर दो, दैट्स इट। ठीक, क्या किया आपने, जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप सेम होगा, और जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है आप इसको रेसिप्रोकल करो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, इसका साइन पॉजिटिव इसका नेगेटिव कर दो, स्लोप आ जाएगा। अब इसमें लिखा हुआ है आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस पॉइंट से पास कर रही है और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब हमारी वाली लाइन जिसकी हमने इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो अगर इस लाइन का स्लोप है -3/4, हमारी वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, हमारी वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो आप रेसिप्रोकल करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका मतलब हमारी वाली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, 4/3। तो स्लोप आपको पता है 4/3, पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी आप लोग खुद यूज़ कर लेना, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें m जो है वो स्लोप है 4/3 और x1 y1 क्या है 6.2।
टू, पुट करना, अरेंज करना, सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 19 में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड मेकिंग एंगल। अच्छा, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, तभी मैंने साथ रखा हुआ है। अब आपको पॉइंट तो दे दिया है -4, -6, लेकिन अब बोला है कि वो लाइन बना रही है 45 डिग्री एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। जब भी आपको बोला जाए ना कि लाइन 45 डिग्री या कोई भी एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसका मतलब वो आपको इंक्लिनेशन दी हुई है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। आपको पता है स्लोप का बेसिक फार्मूला क्या होता है, इंक्लिनेशन का टेंजेंट ले लो। तो जब आप इंक्लिनेशन का टेंजेंट लोगे, टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, तो स्लोप आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगेन वही सवाल बन गया, स्लोप आपको पता है, पॉइंट आपको पता है, स्लोप पॉइंट फार्मूला लगा देना, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 20 में मिड पॉइंट वाला फार्मूला है, याद रखना जो पॉइंट मिड पॉइंट होता है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हो, और जिन दो पॉइंट का मिड पॉइंट है उसको आप राइट हैंड साइड पे रखते हो। ये बाय द वे क्वेश्चन नंबर फोर है 2.2 का, वहां पे भी आप लोग देख सकते हो। तो लिखा हुआ है मिड पॉइंट जो है वो 4.4 है, तो जो मिड पॉइंट है मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, और किन दो पॉइंट का है, एक पॉइंट तो है 7.8 और एक अननोन पॉइंट है जिसको मैं लेट कर लेता हूं x, y, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स में लेट कर लेता हूं x, y। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, मिड पॉइंट निकालने का बेस्ट तरीका होता है आप दोनों की x वैल्यू को ऐड करो, 7+x और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। आप दोनों की y वैल्यू को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, दैट्स इट। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, बहुत इजी काम है। आप यहां पे कंपेयर करो एब्सिसा को, इन दोनों को कंपेयर करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, और 7+x अपनी जगह पे आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू 1 हो जाएगी। आप इन दोनों को इक्वेट करवाओ, मतलब 4 = 8+y/2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 8, और ये 8+y अपनी जगह पे, ये दोनों कैंसिल, y की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, 1, 0, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 21 भी इसी टाइप का है, बस 21 आप लोग खुद करना। उसमें लिखा हुआ है इफ ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड पे आप रखोगे ओरिजिन, और किन दो पॉइंट का है, a, -3, 5, b, दोनों की x वैल्यू को ऐड करो, दोनों की y वैल्यू को ऐड करो, वही काम करना, इसको इससे कंपेयर करना, a की वैल्यू देखना यहां से -5 आएगी, इसको इससे कंपेयर करना, देखना b की वैल्यू 3 आ रही होगी, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे। 22 पे आ जाओ, 22 पे लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ k विल पास थ्रू द पॉइंट। देखो जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन से पास करता है तो उस पॉइंट को आप इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हो, तो आप इस पॉइंट को इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, उसके बाद k की वैल्यू निकालना। आई गेस k की वैल्यू -3 आ रही होगी, देख लेना, बस x की जगह आप 2 पुट करना, y की जगह 4 पुट करना, मतलब पॉइंट पुट करना आप, और k की वैल्यू मालूम कर लेना। 23, 24 ये एक बकायदा टॉपिक है जो आपने 2.4 में पढ़ा था। अच्छा, ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसकी जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन है, ये भी पूछी जा सकती है। अब अगेन ये भी बात है कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कुछ, यही चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे तो आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि MCQs में अगर मैं डिस्कशन लग गया बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो ये बातें आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, फॉर्मूले सब चीज़ें छोटी छोटी याद रख लेना। उसके बाद फिर ये MCQs में मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई है आपको, किया मैंने ये वाला इस्तेमाल है परपेंडिकुलर का, लेकिन डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता दी थी। 2.4 का क्वेश्चन नंबर आई गेस 6 है, ठीक है, जिसमें दो स्पेसिफिक लाइन है जिनके बारे में बात की गई है। मैं इनके बारे में 3-4 चीज़ें आपको बताता हूँ, 6-7 MCQs, 8 MCQs यहीं से कवर होंगे। अब कौन से 8 कवर होंगे ज़रा देखते हैं। सबसे पहली लाइन है बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये वो लाइन है जो बाइसेक्ट कर रही है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को। इसके बारे में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी इक्वेशन होती है y = x। दूसरी बात, इसकी इंक्लिनेशन होती है 45 डिग्री। तीसरी बात, इसका स्लोप जो होता है 1 होता है। ये किस लाइन की बात की जा रही है, जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर है। अब एक और लाइन है जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बाइसेक्टर है। अगेन इसके बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी इक्वेशन होती है y = -x,
उसकी y इक्वल टू x थी, इसकी y इक्वल टू माइनस x। इसकी इंक्लिनेशन होती है 135 डिग्री, इसका स्लोप होता है माइनस वन। अबे 6 एमसीक्यूज मैंने डिस्कस किए यहाँ पे, कुछ भी आ सकता है। तो ये तीन तीन पॉइंट इन दोनों से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, और यही दोनों एमसीक्यूज हैं। हाँ, 24 में स्लोप पूछा गया था जो लाइन बाइसेक्ट कर रही है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को, सो स्लोप होता है माइनस वन। और 23 में पूछा था कि y इक्वल टू x कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x वो लाइन है जो बाइसेक्टर होती है थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ऑप्शन नंबर ए। तो चैप्टर नंबर 2 है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 3 जो है उस पर आ जाते हैं हम। चैप्टर नंबर 3 जो है यार वो इतना मुश्किल नहीं लगेगा आप लोगों को, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कॉन्सेप्ट तो आप इसी में पढ़ लेते हो चैप्टर 2 में, परपेंडिकुलर। ये बस एक दो नए फॉर्मूले हैं, दो तीन बल्कि, एरिया ऑफ ट्राइंगल के और वो पोजिशन ऑफ पॉइंट के। बस सबसे पहला काम ये होता है कि आपने लाइन से किस तरह स्लोप निकालना है। जैसे पहला एमसीक्यू लिखा हुआ है, एक लाइन गिवन है 2x plus 3y plus 6। इस लाइन से, इस इक्वेशन से आप इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगाओ अपनी तरफ से, फिर x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, दैट्स इट। इस लाइन का स्लोप क्या है, माइनस 2/3। अब करना है क्या सवाल में, जरा वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है किस लाइन के, ऑप्शन में चार लाइन लिखी हुई है, ये किस लाइन के परपेंडिकुलर है? तो आपने देखा कि इस लाइन का स्लोप है माइनस 2/3, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल करो, नेगेटिव तो पॉजिटिव। इसका मतलब इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या है, 3/2। आप देखो ऑप्शन में किसका स्लोप 3/2 है, डेफिनेटली ए ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता, उसका स्लोप तो माइनस 2/3 आ रहा है। बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी को चेक कर लो। डी में देखने में पहले आपको 3 नजर आ रहा है, फिर 2 नजर आ रहा है, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये इक्वेशन लिखी हुई है 3x माइनस 2y प्लस 9। तो देखो इसमें स्लोप निकालो, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, वाई का कोएफिशिएंट माइनस 2 है, माइनस से माइनस कैंसिल, स्लोप आ रहा है 3/2। तो इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ये वाली है। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। इस वाली लाइन के, ये एमसीक्यूज नंबर 2 है, 3x माइनस 5y माइनस 15। इस लाइन के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो उसका स्लोप निकालो, माइनस x का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोएफिशिएंट, कैंसिल करो 3/5। अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल करो, साइन चेंज कर दो। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप माइनस 5/3 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। और अगर बोला जाता है इसके जो पैरेलल लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, यही होगा। अगर इसका स्लोप 3/5 है तो जो इसके पैरेलल लाइन है उसका स्लोप भी क्या होगा, 3/5। और जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा माइनस 5/3। ये पैरेलल का सिंबल होता है, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, ठीक है। तो काफ़ी मैंने बातें डिस्कस करता जा रहा हूँ साथ साथ, 3BC से रिलेटेड है। एक लाइन है AX plus 3Y equal to 3। अच्छा, ये जो मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया ना, इसमें शर्त ये कि X और Y एक साथ होने चाहिए, कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे हो या लेफ्ट हैंड साइड पे हो मैटर नहीं करता, लेकिन X और Y दोनों एक साथ होने चाहिए। X पहले हो, Y बाद में हो, तब आप ये वाला मेथड लगाओगे जो स्लोप वाला मैंने बताया। इस सवाल में कांस्टेंट राइट पे हमें कोई गर्ज नहीं है, बाढ़ में जाए कांस्टेंट। इसको देखो, तो स्लोप क्या है इसका, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ X A है, कोएफिशिएंट ऑफ Y 3 है। तो इस लाइन का स्लोप है माइनस a/3, और गिवन सवाल में क्या है कि इसका लाइन का स्लोप 1 है, ठीक है। तो माइनस a/3 को आप इक्वेट करवाओ 1 से, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है इसका स्लोप 1 है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 हो जाएगा, इस माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो a की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 3। ऑप्शन नंबर a ठीक है यहां पे। 4 पे आ जाओ, 4 जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 का। आपको एक पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट और लाइन के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करते हो, ठीक है। इस्तेमाल किस तरह करना है जरा देख लेते हैं। पॉइंट गिवन है 3/4, लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0।
पुट कर दो। ये ए बी सी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट। एक्स वन वाई वन क्या होता है, पॉइंट की एक्स और वाई वैल्यू। तो ए यहाँ पे 4 है, एक्स वन यहाँ पे 3 है, प्लस बी यहाँ पे -3 है और वाई वन यहाँ पे क्या है, 4 के बराबर। कांस्टेंट इक्वेशन में क्या है, 2 के बराबर, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए 4 है ना, और बी -3 है, -3 का स्क्वायर 9। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो 12, -3 को 4 से मल्टीप्लाई करो -12, तो 12 से -12 कैंसिल, ऊपर बचा 2, इसको जब आप सॉल्व करोगे 25 आएगा, रूट से बाहर निकालना 5 आ जाएगा, तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर। 5 में आपसे पूछा हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 - x3, x2 - x4, y1 - y3, y2 - y4। अपने नोट्स में देख लेना, जो मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उसमें वैल्यूज, x1 y1 पहला पॉइंट, x2 y2 दूसरा पॉइंट, x3 y3 तीसरा पॉइंट, x4 y4 चौथा पॉइंट। बीट्स भी लगा दो पीछे, तुम लोग रैपिंग कर रहा हूं मैं पूरी। अच्छा, x1 यहां पे 0 है, x3 यहां पे 5 है, तो ये हो जाएगा 0 - 5। x3 यहां पे 0 है और x4 भी यहां पे 0 है, तो 0 - 0 0 ही हो जाएगा, लिखो ना लिखो एक ही बात है। y1 0 है, y3 0 है, तो 0 - 0। y2 3 है, y4 11 है, तो 3 - 11। अब सॉल्व करते हैं, ये तो -5 हो जाएगा और 3 - 11 क्या होगा, -8 हो जाएगा। अभी 2/2 डिटरमिनेंट है, को सॉल्व करना मुश्किल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में, -5 - 8 40 हो जाएगा, 40 को आप 2 से डिवाइड करो तो आंसर 20 के बराबर आ जाएगा। इस डिटरमिनेंट का आंसर 40 है, 40 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास 20 एरिया आ जाएगा। ये 1/2 स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब जो 3 पॉइंट हैं, जैसे x1 y1, x2 y2, x3 y3, इन तीनों पॉइंट को यहां पे पुट कर दो, जैसे पहला पॉइंट जो है वो यहां पे 0 0 है, तो x1 भी 0, y1 भी 0। दूसरा पॉइंट जो है वो 2 1 है, तो x2 2, y2 जो है वो 1 है। तीसरा पॉइंट है 0 8, तो 0, y3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट मैंने यहाँ पे पुट कर दिए। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, 1/2 बाहर है, शुरू के 2 तो 0 हैं, छोड़ दो, तीसरे से एक्सपेंड करो, तो 1 बाहर आएगा, अंदर होगा ये 4 चीज़ें। अभी डिटरमिनेंट आपको आना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 16 आ जाएगा। 1 को 0 से करो, वो तो 0 हो जाएगा ना, 16/2 8, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। 7 में लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वो पॉइंट्स होते हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये 8 वही है जो मैंने पहले बताया था कि ऑल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये पूछा हुआ है ऑर्थो सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डैश ऑफ अ ट्राइंगल, ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ऑप्शन नंबर बी। 9 में आपसे पूछी गई है जनरल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c इक्वल टू 0। 10 में पूछा गया है, देखो हम एक वर्ड यूज करते हैं इंटरसेक्ट का, जब दो लाइन किसी पॉइंट पे मिलती है ना तो आप उनको बोल देते हो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। लेकिन जब 3 लाइन किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो हम इंटरसेक्टिंग का वर्ड यूज नहीं करते, हम एक और फैंसी वर्ड है जिसको हम कहते हैं कंकरेंट, ये हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग यूज नहीं करते, कंकरेंट कह देते हैं। जब 3 या 4 5 जितनी भी लाइनें अगर एक पॉइंट पे मिले तो उसको आप क्या कहते हो, कंकरेंट लाइंस। तो वही चीज लिखी हुई है, 2 और मोर स्ट्रेट लाइन, अच्छा 2 लाइन के भी कंकरेंट बोल सकते हो, कोई मसला नहीं है। 2 और मोर स्ट्रेट लाइन मीट एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, द लाइंस आर सेड टू बी कंकरेंट। और याद रखना, ये एमसीक्यूज तो खत्म हो गया, जो 3 बातें मैंने डिस्कस की थी ना, मीडियंस कंकरेंट होते हैं, एक पॉइंट पे मिलते हैं ना, जिसको आप सेंट्रोइड कहते हो, तो मीडियंस भी कंकरेंट है। इसी तरह अभी ऑल्टीट्यूड का जिक्र किया था, ऑल्टीट्यूड भी कंकरेंट है, क्योंकि एक पॉइंट पे मिलते हैं ना तभी आप उसको ऑर्थो सेंटर कहते हो।
तो ऑल्टीट्यूड भी कनकरेंट है, मीडियंस भी कनकरेंट है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल वो भी कनकरेंट है, मतलब ये सब लाइंस एक पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है, ऑल्टीट्यूड मीडियंस ये सब एक पॉइंट पे मिलती हैं, इन सबको आप कनकरेंट कहते हो। और जो कनकरेंट लाइन होती है ना उसकी कंडीशन भी होती है, वो एमसीक्यू नंबर 11 में लिखी हुई है कि अगर तीन इक्वेशन गिवन है, तीन लाइन की अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको मालूम करना हो कि कनकरेंट है या नहीं है, तो उनके आप तीन चीजें डिटरमिनेंट में पुट करोगे, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, जिसको आप a1 b1 c1 कहोगे, इसी तरह दूसरी स्ट्रेट लाइन का पुट करो, तीसरी का पुट करो, अगर ये पूरा डिटरमिनेंट जीरो के बराबर है तो वो लाइंस क्या हैं, कनकरेंट हैं। तो 11 में कनकरेंट की कंडीशन लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। और 12 में बोला हुआ है ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल, बताया था ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड जो है ये आपस में क्या होते हैं, कनकरेंट होते हैं। अच्छा ये एक स्टूडेंट की कंफ्यूजन थी, वो कह रहा था सर परपेंडिकुलर होते हैं, याद रखना अगर आपसे एक ऑल्टीट्यूड का पूछा जाए, ऑल्टीट्यूड वो लाइन होती है जो एक वर्टेक्स से पास करती है और अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बनाती है, ठीक है, तो अगर एक ऑल्टीट्यूड का पूछा जाए ना कि ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब ऑल्टीट्यूड जो है ना वो ट्राइंगल की साइड पे परपेंडिकुलर होता है, ये एमसीक्यू अलग है पूरा, इसमें कंकरेंट का कोई जिक्र नहीं होगा। किस तरह आएगा, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर होती है साइड ऑफ ट्राइंगल पे, ठीक है। लेकिन अगर तीन ऑल्टीट्यूड का पूछा जाए, जैसे यहां पे बोला हुआ है ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स हैं, तो इसका मतलब आपस में पूछा जा रहा है, तो जो ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड है वो आपस में क्या है, वो कनकरेंट है, वो एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो ये दोनों एमसीक्यूज अलग है, इनको मिक्स नहीं करना। 3 चैप्टर में आपने ये भी कंडीशन पढ़ी होगी कि जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं तो ये वाली कंडीशन होती है a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0, ये पैरेलल की कंडीशन होती है, और परपेंडिकुलर की कंडीशन ये होती है a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है। तो बहरहाल पैरेलल की पूछी गई है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। और पैरेलल की कंडीशन को आप इस तरह भी लिख सकते हो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो a1 अपॉन b1 a2 अपॉन b2, मतलब b1 को इधर ले जाओ a2 को उधर ले जाओ, इस तरह भी लिखी जा सकती है, इस तरह भी लिखी जा सकती है, इस तरह भी लिखी जा सकती है, ये पैरेलल लाइन की तीनों तरीके से आप लिख सकते हो। तो जो 14 में पैरेलल की कंडीशन पूछी है ना, तो उसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, डिफरेंट अंदाज में पूछा जा सकता है। और 15 आखिरी टॉपिक है, मैं बोल बोल के स्टूडेंट को थक गया हूँ कि यार इसमें गलती ना करो। ये सवाल होता है कि जब आपने चेक करना होता है एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन के ऊपर है या नीचे है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं, स्टूडेंट डायरेक्ट पुट करते हैं, अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो वो कहते हैं नीचे है, पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर है, ये गलत हो जाता है। आपने पहले इक्वेशन में ना वाई को पॉजिटिव करना होता है, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है 6x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0, आप पहले y को पॉजिटिव करो, ठीक है, y को पॉजिटिव कैसे करोगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो, जब y पॉजिटिव हो गया अब आप पॉइंट पुट करो, पॉइंट है -1, 2, तो x की जगह -1 पुट करो, -1 × -6 के बराबर, y की जगह यहां पे 2 पुट करो, ठीक है, 6 + 2 = 8, 8 - 5 = 3, 3 पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये अबव लाई कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना कि y को आपने पॉजिटिव रखना है, y को नेगेटिव रखोगे तो फिर अगर y को नेगेटिव रखना चाह रहे हो तो कॉन्सेप्ट चेंज कर देना, अगर आपकी इक्वेशन में y नेगेटिव है और आप पॉइंट पुट करते हो तो अब अगर नेगेटिव आए तो अबव बोलना, पॉजिटिव आए तो बिलो बोल देना, ठीक है। लेकिन इस कन्फ्यूजन में पढ़ने की क्या जरूरत है, आप उसको पॉजिटिव करो y को, उसके बाद पॉइंट पुट करो, अगर पॉजिटिव आंसर आए तो अबव, नेगेटिव आंसर आए तो बिलो कह देना। उसके बाद चैप्टर 4 पे आ जाओ, चैप्टर 4 यार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग रूल्स सब याद कर लेना, क्योंकि अगर वो आपको याद नहीं है तो आप लोगों को मसला हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता दूं, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं हो सकता। पहले एमसीक्यूज में आपसे बोला गया है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, स्टूडेंट इस पे पूरे रूल्स लगा रहे होते हैं, साइन स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस स्क्वायर को अलग करते हैं। सिंपल सी बात है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ये करना है। अलग अलग करोगे तब भी आंसर 0 ही आ रहा होगा, लेकिन स्ट्रेट अवे दिखने में लग रहा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0। 2 पे आ जाओ, 2
टू पे उन्होंने बोला हुआ है 10 की पावर साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है। ये एमसीक्यूज अभी आगे सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्योंकि मैंने बताया था मैंने ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है सबको। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है कि बेस में आपको एक नंबर कॉन्स्टेंट नजर आ रहा होगा और पावर में आपको एक वेरिएबल नजर आ रहा होगा। किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, तीन स्टेप में डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज कॉपी कर दो। दूसरा स्टेप, जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लो, साइन का डेरिवेटिव कॉस। तीसरा स्टेप, ln जो बेस है उसकी वो ln के बाद लिख दो, मतलब ln 10। इन तीन स्टेप में आप किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक है। मैं 4 पे जाता हूँ डायरेक्ट। 4 पे उन्होंने लिखा हुआ है 3 की पावर 2x² + 1। सेम कॉन्सेप्ट है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज कॉपी करो, जो पावर है डेरिवेटिव लो, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x² का डेरिवेटिव 4x, और फिर आप लिखो ln, जो बेस है वो लिखो। तीन स्टेप में आपका डेरिवेटिव हो गया। तो एमसीक्यूज नंबर 4 में ऑप्शन नंबर जो डी है वो ठीक है, सही है। अब ये इनको जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह देते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसकी बेस में ई आ रहा है, वो एमसीक्यूज नंबर 3 है। जैसे आपके पास लिखा हुआ है ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, ई एक नंबर है और पावर में वेरिएबल है, तो एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीका बताया हुआ है, वही काम करना कि सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉपी करना, फिर पावर का डेरिवेटिव लो। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 − x², ये साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, रूल्स मैंने डिस्कस किए हैं। तीसरा स्टेप क्या होगा, ln, बेस क्या है e, तो आप लिख दोगे ln e। बस ln e 1 के बराबर होता है, तो ये आपको आसानी हो जाती है, जब बेस e है तो ये वाली चीज़ 1 हो जाती है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 − x². ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। 5 पे आ जाओ। 5 में लिखा हुआ है e की पावर ln साइन x², याद रखना जब e की पावर में ln आ जाए e और ln कैंसिल हो जाएंगे। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, लोग यहीं पे एक्सपोनेंशियल का रूल लगा देते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं वो। e और ln हमेशा आपस में कैंसिल होते हैं। मैं अभी कोई डेरिवेटिव नहीं ले रहा, ये बेसिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी है कि जब e और ln आ रहे हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचा, साइन x². तो इस पूरी चीज को मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये साइन x² आया। मैंने डेरिवेटिव अभी नहीं लिया, जस्ट सिंप्लीफाई किया है। e ln कैंसिल, जो बचा वो मैंने लिख दिया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, और फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, एंगल का डेरिवेटिव भी लेते हो। x² का डेरिवेटिव 2x, तो इस पूरी चीज का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x cos x², ऑप्शन नंबर सी। अभी एक टाइप के एमसीक्यूज थे जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे थे। एग्जाम में अगर आप देखोगे यही कैटेगरीज हैं, या तो किसी कांस्टेंट की पावर में कोई वेरिएबल होगा या वो कांस्टेंट e होगा, मतलब या तो e आ रहा है या कोई और कांस्टेंट आ रहा है 10 3। तो मैंने डिटेल में ये बता दी है, इसके बाद कोई एक्सपोनेंशियल का सवाल नहीं है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक पे आ जाओ। सबसे पहली बात, sec स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। भाई sec स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे लोगे, सबसे पहली बात कि इसके ऊपर पावर लिखी हुई है, तो जब पावर मौजूद हो तो आप पावर रूल लगाते हो डेरिवेटिव का जो होता है। तो पावर रूल लगाओ, सबसे पहले पावर 2 पहले आ गई, पावर में से 1 कम कर दो। अब 2 में से 1 कम करोगे, 1 बचेगा, 1 लिखो ना लिखो बात एक ही होती है, रहने दो इसको, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो बेस लिखी हुई है ना यहाँ पे, पावर 2 है, बेस यहाँ पे क्या है, sec। sec का डेरिवेटिव क्या होता है, sec का डेरिवेटिव होता है sec टेंजेंट। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या होता है कि आप एंगल का डेरिवेटिव लेते हो। एंगल यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखो या ना लिखो बात एक ही होती है। तो sec को sec से मल्टीप्लाई करो, sec स्क्वायर हो जाएगा। तो sec स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sec² टेंजेंट x। अब sin स्क्वायर का डेरिवेटिव है, सेम यही कॉन्सेप्ट है sin स्क्वायर पे भी। पावर लगाओ सबसे पहले, पावर 2 पहले आ गई, ठीक है। दूसरा स्टेप, बेस का डेरिवेटिव, बेस यहाँ पे क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और फिर आप एंगल का लो तो 1 हो जाएगा, जरूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x cos x। 8 में लिखा हुआ है sin 9x, ये एक फंक्शन है और आपसे पूछा गया है कि f of prime का मतलब पहला डेरिवेटिव, सिंपल डिफरेंशिएट करना है आपने इसको। साइन 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर है इसके ऊपर,
नहीं तो पावर रूल लगा के क्या करोगे, छोड़ दो। दूसरा स्टेप आपने क्या देखा था कि हम बेस को डिफरेंशिएट करते थे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। फिर तीसरा स्टेप क्या होता था, एंगल का डेरिवेटिव। एंगल यहां पे 9x है, 9x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। कुछ डेरिवेटिव आपको रटे होने चाहिए, कॉन्स्टेंट जहां भी नजर आए डेरिवेटिव जीरो। दूसरी चीज 2x हो, 3x हो, -4x हो, -5/9x हो, अगर इन सब फंक्शन के आपने डेरिवेटिव लेने हैं तो याद रखना जो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है वो इसका आंसर है, मतलब जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है। इसका डेरिवेटिव 2, इसका डेरिवेटिव 3, इसका डेरिवेटिव -4, इसका डेरिवेटिव -5/9। तो अगर 9x लिखा हुआ है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस टाइप के डेरिवेटिव याद होने चाहिए। इसी तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसी तरह ln x का डेरिवेटिव 1/x। ये बहुत फ्रीक्वेंट फंक्शंस हैं जो बार बार आते हैं, इनके याद कर लो, आसानी हो जाएगी। ln x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। बहरहाल साइन 9x का डेरिवेटिव हो जाएगा 9 cos 9x, ऑप्शन नंबर डी। ये जो MCQs नंबर 9 है ना, ये 4.4 का टॉपिक है, पैरामेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, इसमें लिखा हुआ है x है a cos थीटा, सॉरी x जो है वो है a sin थीटा, और y जो है वो b cos थीटा है, और आपको निकालना है dy/dx। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। y को सबसे पहले dy/dx निकालना है ना, तो ऊपर आप y को डिफरेंशिएट करो। ये 4.4 का टॉपिक आप देख लेना, इतना मुश्किल नहीं है। ऊपर आप y को डिफरेंशिएट करो, b cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, b को साइड पे रखो, cos का डेरिवेटिव होता है -sin थीटा। नीचे आ जाओ, नीचे x है तो आपने x को डिफरेंशिएट करना है, a को साइड पे रखो, sin का डेरिवेटिव cos। तो आपने किया क्या है, आपको dy/dx निकालना था, आपने ऊपर y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और नीचे आपने x को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, b को साइड पे रखो, cos का डेरिवेटिव -sin, इधर a को साइड पे रखो, sin का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। इस माइनस को साइड पे कर दो, आसानी हो जाएगी। sin/cos क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो -b/a tangent थीटा, ऑप्शन नंबर सी। टेन में 1/cot का डेरिवेटिव लेना है, 1/cot क्या होता है, टेंजेंट, और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक थे वो खत्म हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक के यही सवाल आते हैं एग्जाम में, मैंने आप लोगों को डिटेल में सारे बता दिए। अब आ जाओ कि अगर आपके पास लोगरिथमिक फंक्शन आ रहा है उसको किस तरह डिफरेंशिएट करना है, 3-4 उसके MCQs होंगे। 11 में लिखा हुआ है ln t/5। अच्छा, ये वेरिएबल से घबराना नहीं है आपने, स्टूडेंट घबरा जाते हैं, टी आ गया, कन्फ्यूज हो गया, आप क्या कर रहे हैं, एक्स आए, टी आए, वाई आए, लसन आए, कुछ भी आए, आपने इसको सेम कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएट करना होता है। कॉन्सेप्ट क्या नज़र आ रहा है भाई, पावर लिखी हुई है तो पावर रूल लगा दो। जब भी आपको पावर नजर आए पावर रूल लगा दो, पूरे फंक्शन के ऊपर पावर है ना तो पावर रूल लगा दो। पावर 5 पहले आ गई, पावर में से 1 कम करो। फिर पावर रूल है क्या, डेरिवेटिव का अगर आपको पावर रूल याद हो तो आप क्या करते थे, जो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक में भी करते हुए आ रहे हैं, कि हम सबसे पहले पावर रूल लगाते हैं फिर बेस का डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, यही करते हुए आ रहे थे ना, पावर रूल लगाते थे फिर बेस का डेरिवेटिव लेते थे। तो सबसे पहले आपने पावर रूल लगाया, अब आप बेस का डेरिवेटिव ले लो। बेस है यहाँ पे ln t का डेरिवेटिव होता है 1/t, जैसे मैंने बताया था ना, ln x का डेरिवेटिव था 1/x, ln t का डेरिवेटिव 1/t, ln p का डेरिवेटिव 1/p, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो 5 ln t/4/t आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बुक का क्वेश्चन है, ये अगला वाला भी बुक का क्वेश्चन है कि 12 में आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ln t, ठीक है। ln को डिफरेंशिएट करने का रूल, अच्छा देखो ln t, ln x, इसमें तो रूल लगाने की जरूरत नहीं है ना, इजी आंसर है 1/t, 1/x। लेकिन ln के बाद अगर कोई और चीज आ रही है, जैसे ln t आ रहा है, तो अब इस पे बकायदा जो लोगरिथमिक का रूल होता है ना, जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल का बताया था, लोगरिथमिक का रूल जो है उसको जहन में रखो, जो मैं बातें बताने लगा हूं इनको अगर आपने याद कर लिया, लोगरिथमिक को मसला नहीं होगा डिफरेंशिएट करना। क्या कि जो लेटर आपके सामने आ रहा है ना ln, इसके बाद, ये मैं डिफरेंशिएट लेने का तरीका बता रहा हूं, इसके बाद जो भी चीज आ रही है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। किस तरह डिफरेंशिएट करोगे, ये जो ln लिखा हुआ है इसके बाद क्या आ रहा है, ln t, चुप करके इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, एक आवाज भी ना आए आप लोगों की,
ठीक है, एल एन के बाद अब यहाँ पे लसन भी लिखो बाकायदा, उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। अब लसन को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी चीज़ आ रही है आपने डिनोमिनेटर में ले जाना है, पहला काम। दूसरा स्टेप और आखिरी स्टेप कि जो भी डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है उसका डेरिवेटिव ले लो भाई। डिनोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है, एल एन टी, एल एन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन टी, तो सिंप्लीफाई कर लो, हो गया डेरिवेटिव, क्या मसला है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बीच में वो दूसरे लोग आ गए, आप लोग आ जाओ 16 पे, 16 में ये एल एन वाला ही है, मैं पहले एक साथ करवाना चाह रहा हूँ। 16 में लिखा हुआ है एल एन एक्स क्यू प्लस वन, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, क्या मैंने बताया अभी, एल एन इसके बाद जो भी चीज़ आ रही है किस तरह डिफ्रेंशिएट करोगे उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। एल एन के बाद क्या आ रहा है, एक्स क्यू प्लस वन, तो डिनोमिनेटर में ले जाओ एक्स क्यू प्लस वन को। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर ले लेना है, वन का डेरिवेटिव तो जीरो, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, थ्री एक्स स्क्वायर, ये काम करना है। तो एल एन के बाद जो भी चीज़ आ रही है डिनोमिनेटर और उसका डेरिवेटिव जो है वो आप न्यूमरेटर में ले जाओगे और आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है यहाँ पे। अच्छा जी 17 में लिखा हुआ है एल एन एक्स क्यूब। अच्छा एल एन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता तो मेरी वीडियोस देख लेना, कि जैसे एल एन के अंदर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप ऐड कर देते हो, अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, अगर आप किसी ऐसी चीज़ का लॉग निकालो जिसकी पावर मौजूद है तो आप पावर को पहले ले आते हो ना, ये वही वाला लगेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एल एन एक्स क्यूब, बाकी छोड़ दो आगे क्या लिखा हुआ है उन्होंने, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स क्यूब। सबसे पहली बात आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि आपको जो चीज़ मालूम करनी है ना वो आपको डेरिवेटिव मालूम करना है, आगे छोड़ दो, डेरिवेटिव तो मालूम करना है ना तो कर लो। अच्छा डेरिवेटिव मालूम करने से पहले अगर आप एक सिंप्लीफिकेशन कर लो तो सवाल आपका इजी हो जाएगा। क्या सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन ये कि लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, कि अगर आप ऐसी चीज़ का लॉग निकालो जिसकी पावर मौजूद है तो पावर को उठा के भाई पीछे ले आओ, थ्री पावर पीछे आ गई, ठीक है, यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, कोई डेरिवेटिव नहीं हुआ अभी। अब ये सवाल आपका सिंप्लीफाई हो गया, अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्या डेरिवेटिव होगा, थ्री को रखो साइड पे क्योंकि कोफिशिएंट को साइड पे करते हैं हम, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद करवाया था वन अपॉन एक्स, तो इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव क्या है, थ्री अपॉन एक्स, ठीक है, ये इक्वल नहीं लिखना चाहिए, कॉमा लगा देता हूँ, कि इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव क्या है, थ्री अपॉन एक्स है। अब आपको डेरिवेटिव किस पे निकालना है, एक्स इक्वल टू माइनस टू पे निकालना है, तो आप एक्स की जगह माइनस टू पुट कर दो, दैट्स इट, थ्री की पावर थ्री डिवाइडेड बाय माइनस टू हो जाएगा, पता नहीं किसी को समझ आया मैंने किया है क्या किया है। अच्छा ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक हो जाएगा। 18 पे आ जाओ, 18 पे एक लॉगरिथमिक फंक्शन है एल एन साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है, अगेन वही बात बताई थी कि जो एल एन के बाद लिखा हुआ है भाई डिनोमिनेटर में ले जाओ, कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, एल एन के बाद एल एन लिखा हो, एल एन के बाद एक्स क्यूब लिखा हो, एल एन के बाद साइन लिखा हो, एल एन के बाद साइन इनवर्स लिखा हो, घबराने की जरूरत ही नहीं है, जो एल एन के बाद लिखा हुआ है उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ और फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर ले लो। डिनोमिनेटर में साइन है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, अब सिंप्लीफाई कर लो, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट के बराबर, तो इस पूरी चीज का आंसर हो जाएगा कॉट। और आखिरी सवाल है एल एन से रिलेटेड और वो है 19, एल एन e की पावर एक्स स्क्वायर, अगेन वही लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या आप ऐसी चीज का लॉग निकालो जिसकी पावर मौजूद है, यहां पे जिस चीज का आप लॉग निकाल रहे हो ना, मतलब e का लॉग निकाल रहे हो जिसकी पावर मौजूद है, तो वही कॉन्सेप्ट है जो यहां पे आपने देखा था, पावर को पहले ले आए थे, तो अभी भी जो पावर एक्स स्क्वायर है उसको पहले ले आओ, ये डेरिवेटिव नहीं है, लॉग चल रहा है अभी, लॉग की प्रॉपर्टी है, जो पावर थी आपने पहले ले आए उसको। उसके बाद आपको पता है एल एन ई क्या होता है, वन के बराबर, तो ये पूरी चीज वन होगी, पीछे क्या बचा एक्स स्क्वायर, इतना इजी आपका फंक्शन बन गया। तो कुछ सवालों में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तो कर लो, सवाल बड़ा इजी हो जाता है, तो पावर पहले लाए, सिंप्लीफिकेशन की एक्स स्क्वायर आ गया, अब डेरिवेटिव लो इसका, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना मुश्किल है क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू एक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। तो एल एन वाले सारे सवाल हो गए, अब लॉगरिथमिक में लॉग वाले भी आते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, तीन मैंने डाले हैं इसके अंदर,
सबसे पहला सवाल है वाई की फॉर्म में, मैंने जानबूझ के सवाल डाला है, ये पास पेपर में भी आ चुका है कि आपको ये वाई से चिड़ ना हो, वाई से आप लोगों को समझ नहीं आता। आपको log ए वाई एक फंक्शन गिवन है और आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव मालूम करना है, बेसिकली ये चीज मालूम करनी है। तो अब लोगारिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं, ln का तो आपको पता है। अच्छा ln और log में फर्क क्या है, ln बेसिकली log ही होता है, ऐसा log जिसकी बेस e हो उसको आप ln कह देते हो, और कोई और बेस हो तो उसको आप log ही कहते हो, ये फर्क है इन दोनों में। तो जो आपने ln के लिए पढ़ा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा चीज हम बस लगा देंगे, बाकी वही कॉन्सेप्ट है। जो एक्स्ट्रा चीज है वो मैं पहले लगा देता हूँ, फिर बाद में जो इधर पढ़ते थे वही हम कर लेंगे। एक्स्ट्रा चीज ये होती है कि आपको वहां पे तो बेस e होती थी ना, यहाँ पे अगर बेस a आ रही है, बेस 10 है, बेस 3 है, बेस 20 है, कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे चीज लिखी हुई है आप लिख दो ln a। अगर यहाँ पे 10 होता आप ln 10 लगा देते, यहाँ पे 15 होता आप ln 15 लगा देते। ये वो एक्स्ट्रा काम है जो आप इस वाले में नहीं कर रहे होते, ठीक है, इसमें आपने ही एक्स्ट्रा काम करना है। जैसे ही आपने काम कर लिया अब आपने वही काम करना है जो आप यहाँ पे करते थे। यहाँ पे क्या करते थे, ln के बाद जो भी चीज होती थी डिनोमिनेटर में लेके जाते थे ना, वही काम करो। यहाँ पे log के बाद जो भी चीज लिखी हुई है डिनोमिनेटर में लेके जाओ, y लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में ले गए। फिर जब आप y का डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू y, 1 के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो इस पूरी चीज का आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y ln a। तो एक्स्ट्रा काम क्या हुआ है, बस एक्स्ट्रा काम ये हुआ है कि आप 1 अपॉन ln जो बेस है वो लिख देते हो यहाँ पे। बाकी रूल जो है वही है कि log के बाद जो भी चीज आ रही है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव ले लो, और ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। अब सेम सवाल अगला वाला एमसीक्यू जो है वो x की फॉर्म में आया, बताने के लिए कि x और y में कोई फर्क नहीं है, भाई सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। अगले वाले सवाल में लिखा हुआ है d अपॉन dx, ये चीज लिखी हुई है कि d अपॉन dx log ax, वही सवाल है बिल्कुल x की फॉर्म में, तो वही काम करना। एक्स्ट्रा काम क्या होगा, 1 अच्छा लेट कर लो यहां पे 10 आ जाता तो आप क्या करते, 1 अपॉन ln 10, ठीक है। उसके बाद क्या करते, log के बाद जो भी चीज आ रही है x उसको डिनोमिनेटर में लिखो, फिर x का डेरिवेटिव लो तो 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाता, 1 अपॉन x ln 10, ठीक है। यहां पे खैर एमसीक्यूज में a लिखा हुआ था तो ये a हो जाएगा, और फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 1 अपॉन x ln a। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इससे रिलेटेड आखिरी एक वेरिएशन है, वो भी पास पेपर में आ चुकी है। अगर आपको इसको जरा गौर से आप लोग देखो तो आपकी चीज समझ आएगी कि अगर आप log ax को डिफरेंशिएट करो तो इसका आंसर होगा 1 अपॉन x ln a। ये किस चीज का आंसर है, d अपॉन dx ऑफ log, उसका आंसर क्या है, 1 अपॉन x ln a। अगर आप 15 में देखो इसको इस तरह आप कंसीडर कर सकते हो कि अगर सवाल में पूरी चीज y लिखी हुई हो, लेट कर लो ये सवाल इस तरह है, बल्कि 15 में इसी तरह सवाल लिखा हुआ है ना ये, तो आपने क्या करना है, तो y बराबर है log ax के, आपने बेसिकली ये चीज मालूम करनी है, मतलब सवाल में ये चीज गिवन है 15 में और आपको बोला हुआ है कि dy मालूम करो। अब dy कैसे मालूम करोगे आप, सबसे पहले आप dy अपॉन dx मालूम कर लो, कहने का मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करो, दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव लगा दिया, ठीक है। अब dy अपॉन dx किसके बराबर आ रहा है, 1 अपॉन x ln a, तो dy अपॉन dx डेरिवेटिव है 1 अपॉन x ln a। उन्होंने dy अपॉन dx नहीं पूछा, उन्होंने जस्ट dy आपसे पूछा, इसका मतलब आप इस dx को उठा के इधर शिफ्ट कर दो। तो अगर dy अपॉन dx पूछा जाता तो आंसर था 1 अपॉन x ln a, उन्होंने dy पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन x ln a dx। ये पास पेपर में आया हुआ है, ये इसी तरह खेलते हैं वो, तो याद रखना अगर सिर्फ dy पूछा जाए तो यहां पे dx आप लगा देना। अब देखो ऑप्शन नंबर सी वाला है लेकिन वो गलत है, यहाँ पे उन्होंने dy पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो ये log के जितने भी रूल थे वो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिए, अब हम बाकी रूल्स पढ़ते हैं। बाकी रूल्स क्या, सबसे पहले अब ज्यादातर इन्वर्स हैं, किस तरह डेरिवेटिव लेना, यार देखो इन्वर्स में मैंने डिटेल में बताया हुआ किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते हो। यहाँ पे cosec आ गया, मैं cosec के बारे में बता देता हूँ। cosec आपको यहाँ पे निकालना है cosec इनवर्स x। अच्छा cosec को c o s e c भी लिखते हो या खाली c s c भी लिखा जाता है, दोनों नोटेशन होती हैं इसके।
किस तरह डिफरेंशिएट लेते हो? आप ये करते हो कि कोसेक के बाद जो भी चीज़ लिखी हुई है आप लिखते हो वन अपॉन जो भी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे लिखो, फिर जो भी चीज़ लिखी हुई थी अंदर उसका स्क्वायर करो और माइनस वन कर दो और ऊपर उस चीज़ का डेरिवेटिव ले लो। ऊपर एक्स का डेरिवेटिव लो वन आएगा, लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऑप्शन नंबर। अच्छा हाँ, कोसेक के में माइनस भी आता है। अगर आप इनवर्स में देखो ना तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का सेम फॉर्मूला है, बस कॉस इनवर्स में नेगेटिव आ रहा होता है। इसी तरह टेंजेंट इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम फॉर्मूला है, कॉट इनवर्स में नेगेटिव आ रहा होता है। इसी तरह सेक और कोसेक इनवर्स दोनों का सेम फॉर्मूला है, कोसेक इनवर्स में नेगेटिव आ रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब वेरिएशन भी आ सकती है, वो मैंने 21 में लिखा हुआ है। वेरिएशन ये है कि लिखा हुआ है कोसेक इनवर्स 3x। अब क्या करोगे, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, जो इधर चीज आ रही है उसको आप सबसे पहले बाहर लिखो जैसे आपने यहां पे लिखा था, अंदर आप उस चीज का स्क्वायर कर दो। 3x का स्क्वायर करो 9x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। और ऊपर आपने क्या किया था, डेरिवेटिव लिया था ना, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है, 3 के बराबर होता है। 3 से 3 को कैंसिल करो, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 9x स्क्वायर माइनस वन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो यार इन सबको देख लेना, इनके जो रूल्स हैं मैंने डिटेल में बताए हैं। ये डेरिवेटिव लेने वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, स्टूडेंट भूल जाते हैं। अगर x है तो डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन बाकी कोई चीज़ लिखी हुई है तो डेरिवेटिव वो नहीं होता, तो ध्यान रखना इसका। 22 में जस्ट आपको बोला गया है कि डेरिवेटिव, अच्छा साइन इनवर्स का एक और सवाल भी था, ये मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी ना, साइन इनवर्स का मुझे ऊपर लिखना चाहिए था। बहरहाल चलो, लिखा हुआ है साइन इनवर्स x का क्यूब, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो देखो सबसे पहले तो पावर रूल लगाओ ना, पावर लिखी हुई है यहाँ पे, होल पावर 3 है, तो पावर रूल लगाओ, कम करो, ये पावर रूल लग गया। उसके बाद पावर रूल में बेस का डेरिवेटिव लेते हो। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे ठीक है। अब 22 पे आ जाओ, 22 में लिखा हुआ है x की पावर 1 को डिफरेंशिएट करना है। यार देखो पावर रूल की शर्त क्या होती है, पावर रूल में नीचे जो है वो कोई भी वेरिएबल हो, ऊपर कोई भी कॉन्स्टेंट हो, तो आप पावर रूल लगा देते हो। अब ऊपर कॉन्स्टेंट a की फॉर्म में हो या 2, 3 की फॉर्म में मैटर नहीं करता, तो आप इस पर पावर रूल लगाओ। पावर पहले आ गई, पावर में से 1 कम कर दो, इस तरीके से पावर रूल लगाते हो ना, तो पावर रूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल से कंफ्यूज नहीं करना, एक्सपोनेंशियल अगर बनाना है तो ये होता, अगर ये इस तरह सवाल आता अब ये एक्सपोनेंशियल होता कि नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो इस पे आप एक्सपोनेंशियल वाला रूल लगाते हैं। वो वाला रूल क्या था कि आप एज इट इज कॉपी करो, पावर का डेरिवेटिव लो और फिर ln a लगा दो, a की पावर x का डेरिवेटिव ये होता, x की पावर a पे पावर रूल लगाओगे और ये आंसर हो जाएगा। और आखिरी एमसीक्यू 24, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का पूरा फॉर्मूला है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल की आपको राइट हैंड साइड दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड पूछी गई है। जो फॉर्मूला अगर आपको याद हो ना, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये चीज़ हम बाद में लिखते थे, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या होती थी, जो आपने किया वह बी होती थी, एफ ऑफ प्राइम ए डेरिवेटिव एट ए, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला जो है ना उसको दोबारा देख लेना, आप देखना उस पर लेफ्ट हैंड साइड ऑप्शन नंबर बी थी। दैट्स इट बच्चों, चैप्टर नंबर 4 जो है ये हमारा हो गया। अच्छा यार टाइम कम है, लाइट चली गई है, जनरेटर होने में टाइम लगेगा, तो हमने कहा भाई टाइम नहीं है इतना, टिकटॉक की लाइट लगी हुई है बेचारी। खैर चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 के 5 एमसीक्यूज ही हैं और हार्डली आपको 3 एमसीक्यू नज़र आएंगे पास पेपर्स में, 2 मैंने अपनी तरफ से डाल दिए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था कि अगर आपने मालूम करना हो कि फंक्शन इंक्रीज कब कर रहा है डिक्रीज कब कर रहा है, तो आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और अगर डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मतलब आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज का है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक है कि आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। फिर दूसरे एमसीक्यूज में मिनिमम की कंडीशन पूछी गई है, तो देखो मिनिमम या मैक्सिमम कंडीशन, इन दोनों से पहले एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है इनकी, और वो होती है कि इनका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। और यही सवाल है एमसीक्यूज नंबर 4, जो सबसे ज़रूरी कंडीशन है कि आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू हो, चाहे वो एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो जो बेसिक एक्सट्रीम वैल्यू के लिए जो कंडीशन है वो ये कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए किसी भी पॉइंट के ऊपर। लेट कर लो ए पॉइंट है, उसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए।
अब अगर फर्स्ट, ये एमसीक्यू नंबर 4 मैंने समझा दिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है ऑप्शन नंबर सी। अब दोबारा 2 पे आ जाओ। अब पहली कंडीशन तो ये है, अब अगर दूसरा डेरिवेटिव जो है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब फंक्शन मिनिमम है, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है इसका मतलब फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। तो एमसीक्यू नंबर 2 में मिनिमम की कंडीशन पूछी गई है, मिनिमम में सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। तीसरा जो है, ये कोर्स का हिस्सा नहीं है जो थर्ड एमसीक्यूज है, लेकिन ये पास पेपर में आता था बहुत दफा, इसलिए मैंने यहां पे डाल दिया। सिंपल सी बात है, इसको आप इस तरह समझ लो कि एस एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ टी, मतलब ये डिस्टेंस फंक्शन गिवन है आपको, ठीक है। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करो तो वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करो तो एक्सेलरेशन आती है। डेरिवेटिव में कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर डिस्टेंस को आप एक दफा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी, और अगर आप डिस्टेंस को दो दफा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगी एक्सेलरेशन। तो आपसे ये वाली चीज पूछी गई थी, और ये वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली चीज एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये चीज पूछी जाए तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। और आखिरी 5 नंबर एमसीक्यूज है, याद रखना ऐसा पॉइंट जिस पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है, मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट है, इनको आप स्टेशनरी पॉइंट कहते हो। स्टेशनरी पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिस पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होता है, उस पॉइंट को आप स्टेशनरी पॉइंट बोलते हो। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। चैप्टर नंबर 6 जो है इंटीग्रेशन, उस पे आ जाओ। अगेन जैसे आपने डेरिवेटिव में देखा था, इंटीग्रेशन के भी आपको रूल्स पता हैं तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, वरना फंस जाओगे। सबसे पहले 3 एमसीक्यूज जो है वो सेम ही रूल से हो रहे हैं, एलन वाला, ठीक है। अब एलन वाला क्या होता है, याद रखना अगर आपके पास इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में एक फंक्शन मौजूद है, उस डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर के अंदर मौजूद है, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या होता है, एलन, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है प्लस सी। क्या बात बोली कि अगर यार मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, आई गेस इसमें साया ना पड़ रहा हूँ लेकिन ये हिल जाएगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर के अंदर मौजूद है तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एलन, जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो लिखो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहले एमसीक्यूज का तो डायरेक्ट ये आंसर है। दूसरे पे आ जाओ। अब दूसरे में देखो, दिखने में आपको लग रहा है कि आपने पावर रूल अप्लाई करना है इंटीग्रेशन में। पावर रूल आप कब अप्लाई करते हो, कि जब एक फंक्शन है उसकी पावर लिखी हो, वो जो नीचे फंक्शन है ना जिसको आप बेस भी बोलते हो उसका डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो आप पावर रूल अप्लाई करते हो इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले एक फंक्शन के ऊपर पावर हो, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, तब आप इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना ये इंटीग्रेशन का पावर रूल -1 के अलावा हर वैल्यू पे वर्क करता है, -1 पे वर्क नहीं करता। ये जो पूरा पावर रूल जो है ना वो ये हो जाएगा, आप पावर में 1 ऐड करते हो, सेम पावर नीचे भी आती है प्लस सी, ठीक है। लेकिन ये उसी वक्त होगा जब पावर जो है वो -1 नहीं है, कोई और नंबर हो सकती है, -2 हो जाए, -10 हो जाए, 10, 15, कुछ और पावर हो जाए, लेकिन अगर -1 है तो आप पावर रूल नहीं लगा सकते। अगर 2 एमसीक्यूज में देखो तो लिखा हुआ है इफ एन इक्वल टू -1, तो इसका मतलब इस पूरी चीज का आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये रूल तो -1 पे वर्क ही नहीं करता, और सवाल में लिखा हुआ है इफ एन इक्वल टू -1, इसका मतलब ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते आप। एन इक्वल टू -1 पे कुछ और रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करोगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप एन की जगह जरा यहां पे -1 तो पुट कर दो, सवाल में लिखा हुआ है एन -1 के बराबर है ना, तो आप एन की जगह -1 पुट कर दो। अब आप इस पे पावर रूल नहीं अप्लाई कर सकते, पावर रूल -1 पे वर्क नहीं करता, तो उसका एक और हल है। क्या हल है, कि जो -1 पावर है ना, नीचे जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, नीचे जाके पावर 1 हो जाएगी। 1 पावर लिखो या ना लिखो बात तो एक ही होती है, ये जो ऊपर -1 था नीचे जाके ये हो गया, और ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर अभी मौजूद है डेरिवेटिव dx। जरा गौर करो, ये पहला वाला फॉर्मूला तो पूरा बन गया, पहला वाला एग्जैक्ट यही फॉर्मूला है, तो उसका आंसर क्या होगा, ln f(x) + c हो जाएगा। तो दोनों एमसीक्यूज का सेम ही आंसर है, लेकिन ये दिखने में लगता है पावर रूल, और स्टूडेंट पावर रूल लगाकर आ जाते हैं और गलत हो जाता है उनका आंसर। तो याद रखना अगर n नॉट इक्वल टू -1 है तो पावर रूल लगेगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो ठीक होता, लेकिन यहां पे n जो है वो -1 के बराबर है तो अब ऑप्शन नंबर ए ठीक नहीं होगा। आप ये पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे और अब ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो ठीक हो जाएगा।
ये दो तीन बातें याद रखनी है। सेम इसी से रिलेटेड 3 है, उसको भी देखो, उसमें एक फंक्शन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एक्स, इसको आपने इंटीग्रेट करना है। अब लोग यहाँ पे बाबू रूल लगा देंगे, आगे पढ़ो तो लिखा हुआ क्या है, इफ एन इक्वल टू माइनस वन, अगेन इसमें पावर जो है वो माइनस वन है, माइनस वन पे तो बाबू रूल लग ही नहीं सकता, माइनस वन इसकी पावर है, तो अगेन आप क्या करोगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाना ए एक्स प्लस बी। अब इस पे एल एन वाला लगाओगे, लेकिन एल एन वाले की शर्त क्या थी कि नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए। ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा, बी का डेरिवेटिव तो जीरो, ए एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ए, ए ऊपर मौजूद नहीं है तो आप ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अब आप एल एन वाला लगा सकते हो, तो इस पूरी चीज का आंसर हो जाएगा वन अपॉन ए, ये तो अपनी जगह पे आ गया। और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एल एन जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो लिखो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मेरी वीडियो बंद हो गई थी, स्टोरेज फुल हो गई थी, अजीब ये चल रहे होते हैं जब एक दिन बनाओ ना इतनी ज़्यादा, ये मसले चल रहे होते हैं। खैर 3 एमसीक्यूज मैंने अभी कंप्लीट करवाई था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यार पावर माइनस वन थी तो आप पावर रूल नहीं लगाओगे, अगर पावर माइनस वन ना होती तो फिर आप पावर रूल लगाते तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो ठीक होता, अगर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन होता। अब यहाँ पे एन माइनस वन के बराबर है तो आपने एल एन वाला फॉर्मा लगाया, ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। 4 में मैंने ये बताया था कि अगर आप बेस देखो ना एक्स फोर प्लस वन है तो बेस का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, एक्स फोर प्लस वन का डेरिवेटिव होगा 4x³ जो कि साथ मौजूद है, तो आप यहाँ पे पावर रूल लगा दोगे। पावर 3/2 है, 3/2 में आप 1 ऐड करो 5/2 आ जाएगा, ऊपर भी 5/2, मतलब ये वाला सीन था कि एक्स फोर प्लस वन के ऊपर भी 5/2 आ जाएगा, मतलब 1 ऐड करने के बाद नीचे भी 5/2, जो नीचे 5/2 है ना ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो ऑप्शन नंबर ए। 5 में मैंने आपको बताया था कि एल एन टी लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट वही है, एल एन टी की पावर 7, और नीचे वाले टी को मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। अगेन यहाँ पे पावर रूल लगाओगे, क्योंकि देखो बेस एल एन टी का डेरिवेटिव 1/t साथ मौजूद है तो आप पावर रूल लगा दो, ठीक है। तो क्या होगा, पावर रूल में आप 1 ऐड करते हो, नीचे भी 8 आ जाएगा, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अच्छा एक और भी पावर रूल यहाँ पे था या नहीं था, नहीं अभी नहीं आया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे यार कोसेक, पेज नंबर 200 अगर आप देखोगे उसमें कोसेक के दो इंटीगल लिखे हुए हैं, कोसेक का एक इंटीगल होता है एल एन कोसेक माइनस कॉट, ये भी इसका राइट ऑप्शन है, और इसका दूसरा इंटीगल होता है एल एन टेंजेंट एक्स अपॉन टू, ये दोनों कोसेक के इंटीगल होते हैं। यहाँ पर उन्हें एल एन टेंजेंट एक्स अपॉन टू दिया हुआ है तो ये इसका राइट ऑप्शन है, एल एन कोसेक माइनस कॉट होता तो वो राइट ऑप्शन हो जाता, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अगर एक साथ आएंगे तो फिर बोथ का ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरह 8 में देखो, 8 में लिखा हुआ है सेक एक्स टेंजेंट एक्स, सेक एक्स टेंजेंट एक्स फॉर्मूला होता है, इसका इंटीग्रल जो है वो सेक के बराबर होता है, ये भी आपको पेज 200 पे मिल जाएगा, सेक टेंजेंट का इंटीग्रल सेक के बराबर। अगेन मसला हो गया है क्योंकि वो लाइट आई थी एकदम से ब्राइटनेस हुई, वो नजर ही नहीं आ रहा था कुछ, खैर मैं पता नहीं यहाँ पे था ये समझा रहा था मैं। तो MCQ नंबर 7 है cot ln x, इसमें आपने करना ये है कि एंगल देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो एंगल है यहाँ पे ln x, ln x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है जो के साथ मौजूद है, तो आप डायरेक्ट इस पे फॉर्मा लगा दो, cot का इंटीग्रल होता है ln sin, ठीक है, उसके बाद जो इसका एंगल है वही इसका एंगल हो जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद sec tangent का इंटीग्रल तो मैंने बताया sec के बराबर होता है, 9 में लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, अब अगर ये साइन x होता ना तो साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x हो जाता, साइन 30 एक वेरिएबल नहीं है एक कॉन्स्टेंट है, साइन 30 1/2 के बराबर होता है, तो साइन 30 पे आप कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप इस साइन 30 मतलब 1/2 को बाहर कर दोगे, डी एक्स का इंटीग्रल x होता है 1/2 x प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। 10 ये सामने आपके लिखा हुआ है, अगर आप इसमें देखो इन्होंने लिखा हुआ है कॉट एक्स स्क्वायर, उसके साथ एक्स है, शुरू में लिखा हो या एंड पे लिखा हो बात एक ही होती है, ठीक है। अच्छा तो अब अगेन वही बात, एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन मौजूद क्या है x, 2 नहीं है तो आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, अब जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अब आप इस पर फॉर्मूला लगा दो, 1/2 अपनी जगह पे है, कॉट का इंटीग्रल क्या होता है एल एन साइन,
जो इसका एंगल है वही साइन का एंगल हो जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 11 में लिखा हुआ है टेंजेंट टू एक्स, ठीक है वही कॉन्सेप्ट है, एंगल का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, एंगल है 2x, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, साथ मौजूद नहीं है तो आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अच्छा ये 1/2 पहले से मौजूद नहीं था, मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूँ इसलिए मैंने ऐड किया है 1/2 और ये वाला 2 मौजूद नहीं था, ये आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब टेंजेंट का इंटीग्रल करो, 1/2 तो अपनी जगह पे, टेंजेंट का इंटीग्रल होता है ln sec, जो इसका एंगल है वही यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 12 और 13 जो है यार ये 6.7 के क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है, और होता ये है कि इसमें जैसे मैं 12 करवा देता हूँ 13 आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि e की पावर x बाहर मौजूद होता है, अंदर सबसे पहले एक फंक्शन होता है ln x, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका डेरिवेटिव उसके साथ होगा, जैसे यहाँ पे ln x मौजूद था इसका डेरिवेटिव 1/x इसके साथ मौजूद है, तो इस पूरी चीज का आंसर क्या होता है e की पावर x, जो भी फंक्शन मौजूद था वो लिखो प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जैसे 13 में देखो अंदर लिखा हुआ है टेंजेंट इनवर्स, और टेंजेंट इनवर्स के साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है 1/1 + x², ठीक है, तो जो उसका फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, तो आंसर क्या होगा e की पावर x, फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स प्लस c, ऑप्शन नंबर c जो है वो यहां पे ठीक हो जाएगा। 14 से ऑनवर्ड अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहे हैं, तो जरा मैं बता दूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करना है, ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहां पे, ठीक है अब कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, सबसे पहली चीज किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले आपने पावर का डेरिवेटिव देखना होता है कि वो साथ मौजूद है या नहीं, पावर इसकी है 4x, 4x का डेरिवेटिव क्या होता है 4 तो साथ मौजूद नहीं है, तो आप क्या करो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होना चाहिए। अब आपने देखा कि पावर का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, अब आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कैसे करोगे, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज कॉपी करो उसको, ठीक है अब उसको आप डिवाइड कर दो ln, जो भी बेस है बेस a है ना, तो ln a से डिवाइड कर दो प्लस c, दैट्स इट। कोई और सवाल जो है वो मैं करवा देता हूँ, हाँ जैसे 4 की पावर 3x, ये MCQ नंबर 17 है, 4 की पावर 3x dx, अगेन वही कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कॉन्स्टेंट बेस, पावर जो है वो वेरिएबल है, अब वही काम करना है, पावर अगर आप देखो 3x, 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 के बराबर होता है, तो इसका मतलब साथ में आपको 3 चाहिए, तो आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज कॉपी करो और डिवाइड कर दो ln, जो बेस है 4 प्लस c, ठीक है अगर यहां पे e आ जाए तो ये वाला स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ln e जो है 1 के बराबर होता है, करने की जरूरत ही नहीं है, तो अगर e के अलावा कोई और बेस है तो आप ln से डिवाइड कर रहे होते हो, लेकिन अगर e आ जाए तो फिर वो आपका सिंपल हो जाता है, उसमें जस्ट आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉपी करते हो, दैट्स इट, वो आपका आंसर हो जाता है। जैसे MCQ नंबर 15 है, MCQ नंबर 15 में लिखा हुआ है e की पावर टेंजेंट x, बड़ा मशहूर MCQ है। अब पावर क्या है यहां पे टेंजेंट x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर, जो के साथ मौजूद है, कुछ एड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज कॉपी करो, जब e बेस हो तो आपको कुछ ln से डिवाइड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट e की पावर टेंजेंट x प्लस c लिखो, वही आपका आंसर हो जाता है। जैसे मैं एक और करवाता हूं, MCQ नंबर 16, अच्छा इनमें वेरिएशन भी आ सकती है, अगर जैसे e की पावर टेंजेंट x है, अब लेट कर लो e की पावर साइन हो जाए और यहां पे cos मौजूद होगा, तो अब पावर साइन का डेरिवेटिव cos मौजूद है तो उसका आंसर आप कर देना e की पावर साइन x, तो ये फंक्शन चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि पावर का डेरिवेटिव साथ है तो डायरेक्ट आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखो, दैट्स इट। जैसे यहां पे 16 में लिखा हुआ है 3 को मैं उधर ले जाता हूं, e की पावर 3x 3dx, मतलब यहां पहले से 3 मौजूद है, कॉन्सेप्ट वो ये पावर का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, पावर 3x है, इत्तफाक से 3x का डेरिवेटिव 3 साथ मौजूद है, आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जो पावर है उसका डेरिवेटिव पहले से साथ मौजूद है, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 3x प्लस c, दैट्स इट। लेट कर लो अगर ना होता, जस्ट आपके पास लिखा होता e की पावर 3x, अब वही काम करते
पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अगर ना लिखा होता 3, इस सवाल में तो 3 लिखा है ना, अगर ना लिखा होता तो आप वही काम करते, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो इसका आंसर आ जाता 1/3e^3x+c। तो दोनों MCQs मैंने साथ ही सॉल्व करवा दिए, दोनों तरीके से वो आ सकता है। 17 मैंने करवा दिए। 18 आखिरी सवाल है इस एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड, वो लिखा हुआ है e^tan−1, फिर नीचे है 1+x²dx। सेम वही कॉन्सेप्ट है यार, बस थोड़ा आपने इमेजिन करना है। यहाँ पे e^ क्या, tan−1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1+x², और 1/1+x² साथ मौजूद है। अगर दिखने में नहीं आपको लग रहा, थोड़ा तोड़ के लिख दो, ये लो। अब तो दिखने में आपको लग रहा है कि जो पावर टेन इनवर्स है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है पूरा, 1/1+x², तो इंटीग्रेट कर दो, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एज इट इज कॉपी करो और आगे प्लस सी लगा दो, ठीक है। तो ये जितने एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ ना मैं, ये 3-4 एग्जाम्पल अगर आप सही तरीके से कर लो, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आ गया, फिर मसला नहीं हो सकता आपको। तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक सवाल रह गया, मैंने क्यों हरकत की है, बल्कि एक्सपोनेंशियल के 2 सवाल है मैंने दरमियान में डाल दिए हैं, चलो जल्दी में मिस्टेक हो गई है। चलो 20 पहले कर लेते हैं। 20 में लिखा हुआ है e^3cos2x 2sin2x। अब ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये आपने कर लिया आपको फिर तो मसला होना ही नहीं चाहिए ना। क्या है इसमें पावर, देखो भाई 3cos2x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, कैसे निकालोगे, 3 को साइड पे रखो, cos का डेरिवेटिव होता है −sin, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लो 2 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट 3cos2x का डेरिवेटिव हो गया −6sin2x। अब sin2x तो मौजूद है, −6 होना चाहिए, यहां पे 2 है, तो 2 को −6 कैसे बनाओगे, आप −3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को जब आप −3 से मल्टीप्लाई करोगे तो −6 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको −3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये −6 हो गया, −3 से आपने मल्टीप्लाई किया तो −3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, ये काम हुआ पूरा, ठीक है। तो 2 मौजूद था डेरिवेटिव में, मुझे −6 चाहिए था, मैंने इसको −3 से मल्टीप्लाई किया, ये अंदर −6 हो गया, अब मैंने −3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे −3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब अगर आप देखो जो पावर है कंप्लीट डेरिवेटिव साथ मौजूद है, बस खत्म, क्या करना है आपने, ये −1/3 तो आप कॉपी करो, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको लिखो, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 21 भी देख लो, उसकी पावर में लिखा हुआ है e^t²+5, और नीचे लिखा हुआ है t dt। अब देखो पावर का डेरिवेटिव लो, 5 का डेरिवेटिव तो 0, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2t, साथ मौजूद है t, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अब आप इंटीग्रेट कर दो, 1/2 साइड पे, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो लिखो, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जितने एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दिए कैसे करना है, मुझे नहीं लगता अब आप लोगों को इसमें इशू होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अगर 2-3 MCQs आ रहे हैं ना, लिखवा लो, एक लाजमी एक्सपोनेंशियल का होगा, मेरे इन वर्ड्स को आप लोग लिख लो, एक्सपोनेंशियल का एक लाजमी होगा, इसके बगैर इंटीग्रेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकती, या तो एक्सपोनेंशियल का दे देंगे वो, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का होगा, ये तो लाजमी होंगे, तो उसके बाद एक पावर रूल या एलएन वाला भी दे देंगे। अच्छा बीच में एक सवाल था 19, जो पास पेपर में आ चुका है, लेकिन ये बड़ा सवाल है, ये 6.9 का है, तो मैंने आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई भी है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास इस तरह नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स लिखे हुए हो ना, ये बेसिकली केस 1 का क्वेश्चन है, जिसने 6.9 की हुई उसको आइडिया है, केस 1 का क्वेश्चन है। अगर नीचे 2 इस तरह फैक्टर्स लिखे हुए हो ना, और इंटीग्रल dx है और आपने इंटीग्रेट करना है, तो उसका शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका क्या है, लंबा वाला तरीका तो 1.5 पेज का है, शॉर्ट तरीका है कि x+1 को इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू −1 आ जाएगी। जब आप x+1 को इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू −1 आ जाएगी। इस फैक्टर के अलावा पूरे सवाल में आप −1 पुट कर दो, मतलब dx और इंटीग्रल को छोड़ के जो भी पूरी फ्रैक्शन है उसमें −1 पुट कर दो, ऊपर तो कुछ और चीज़ नहीं है, यहाँ पे x मौजूद है, तो यहाँ पे जब आप −1 पुट करोगे, −1+2 क्या होगा, 1 के बराबर, तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। इसको इस तरह भी समझ सकते हो, दोबारा बता दूं, इस dx को हम साइड पे कर देते हैं, ऊपर लेट कर लो 1 लिख लेते हैं हम। तो हमने क्या किया, x+1 को इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू −1 आई। इस फैक्टर के अलावा आपने पूरी अपनी फ्रैक्शन के अंदर −1 पुट किया,
माइनस वन प्लस टू होता है वन के बराबर, तो इन शॉर्ट वन अपॉन वन वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वन लिखो, उसके बाद जिस फैक्टर को आपने इक्वल टू जीरो लिखा था ना उसके साथ आप एल एन लिख दो। ठीक है, अब यही काम दूसरे फैक्टर के साथ भी करो, एक्स प्लस टू को इक्वल टू जीरो रखो, एक्स की वैल्यू माइनस टू आएगी। इस फैक्टर के अलावा पूरे फ्रैक्शन में आप माइनस टू पुट कर दो, तो ऊपर तो कुछ नहीं है, यहां पे माइनस टू पुट करो, माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है, वन अपॉन माइनस वन माइनस वन के बराबर। ठीक है, और साथ में आप एल एन लिखो, जिस फैक्टर को आपने रखा था उसको लिखो, प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे ठीक है। तो ये सवाल ट्रिक भी आप देख लो कितनी बड़ी है इसकी, सवाल बहुत बड़ा है लेकिन पास पेपर में आ चुका है, दैट्स वाई मैंने करवा दिया कि अगर दोबारा आए तो आप लोग आसानी से इसको कर लेना। कॉन्सेप्ट जो है यार बार बार मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो आप रिमाइंड करके देख लेना। अच्छा अच्छा सब हो गए, 22 पे आ जाओ, 22 सिंपल एन वाला है कि देखो डिनोमिनेटर में फंक्शन क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स ही होगा, वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर के अंदर मौजूद है टू एक्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट एल एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एल एन जो डिनोमिनेटर में वो लिखो, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 23 में भी सेम कॉन्सेप्ट है, वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, टू एक्स का डेरिवेटिव टू, अगर आप यहां से टू कॉमन ले लो तो वन प्लस एक्स लिख लो अरेंज करके। तो जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, टू वन प्लस एक्स, ऊपर क्या मौजूद है, वन प्लस एक्स, टू मौजूद नहीं है। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लाने के लिए आपको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब टू से मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब जो डेरिवेटिव है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो अगेन एल एन वाला फॉर्मा लगा दो, वन अपॉन टू साइड पे एल एन, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब लॉग की एमसीक्यूज में ये ऑप्शन नज़र नहीं आएगा लेकिन आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना कि अगर पावर लिखी हो तो पावर पहले भी आ जाती है, और अगर पहले लिखा हुआ है उसको उठा के आप पावर में भी लेके जा सकते हो, दोनों तरीके से काम चल सकता है। तो ये 1/2 जो है ये ऊपर भी आ सकता है, इस 1/2 को नीचे भी ला सकते हो, तो ये ऑलरेडी नीचे मौजूद था, मैं इसको ऊपर ले गया। ठीक है, अब इस 1/2 को आप रूट की फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सी। तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करो, इधर जो चीज़ मौजूद थी पावर में ले गए, 1/2 को आप स्क्वायर रूट लिख सकते हो, आपके पास आंसर आ गया। और 24 है आखिरी, जो एंटी डेरिवेटिव होता है ना, उस जो इनडेफिनेट आप इंटीग्रेशन करते हो ना, ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हो जिसमें लिमिट मौजूद नहीं है, तो उस वाले को आप एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हो। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अब चैप्टर 7 और 8 है तो मुश्किल चैप्टर्स, लेकिन जो इनके एमसीक्यूज आते हैं वो इजी आते हैं। अगर आप पास पेपर्स में देखो तो वही घिसे पिटे एक ही बात बार बार पूछ रहे होते हैं। तो जिन बच्चों की चैप्टर 7 और चैप्टर 8 की तैयारी अच्छी नहीं है तो वो इन एमसीक्यूज को कर लो, आप लोगों के लिए काफी हो जाएगा। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो भी इनको कर लो, और साथ साथ थ्योरी में आपने जैसे टेबल पढ़ा होगा पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का, तो आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पता होंगी, अगर उसमें से आ गया तो आपका सवाल हो सकता है। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखो चांसेस यही है कि जो पहले आता है वही देंगे, वो कोई हट के कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। तो सेफ्टी साइड इसमें है कि जो मैंने एमसीक्यूज दिए हैं ये आप लोग कर लो, दोनों टाइप के बच्चों के लिए काफी हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी होती है आपको। ठीक है, जैसे लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ अ सर्किल विद सेंटर, आपको सेंटर दे दिया गया है, सेंटर है 0, -5 और डायमीटर दे दिया है। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस हाफ होता है, रेडियस 2 हो जाएगा, आपको बेसिकली रेडियस चाहिए होता है। तो रेडियस यहां पे 2 है, आपको पता होना चाहिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल की वो ये वाली होती है। ठीक है, जिसमें ए और बी जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर जो है वो रेडियस होता है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए जो है वो 0 के बराबर है, बी जो है वो -5 के बराबर है। तो ए की जगह 0 पुट कर दो और बी यहां पे -5 है, -5 पॉजिटिव, रेडियस यहां पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ओपन ना करो क्योंकि एमसीक्यूज के ऑप्शन में ओपन नहीं हुआ हुआ ये। और ये ऑप्शन अगर आपको देखो तो आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। इसको फर्दर ऑब्वियसली सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, ऑप्शन में यही लिखा है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इसी तरह एक सर्किल होता है जिसका सेंटर जो है वो ओरिजिन के ऊपर होता है,
ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो और रेडियस उसका आर हो, उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये उस सर्कल की इक्वेशन होती है जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है और उसका रेडियस जो है वो आर के बराबर होता है। तो अगर एमसीक्यू नंबर 3 देखो तो उसमें एक चीज लिखी हुई है, सर्कल जिसका सेंटर 0, 0 रेडियस आर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ठीक हो जाएगा। अब अगर आप 2 पे आ जाओ, 2 में भी शुरू की कंडीशन यही है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एंड ओरिजिन, जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर है तो ये वाली चीजें यही होगी। अब आपने देखना रेडियस क्या है, विद रेडियस 2r, जैसे इस वाली इक्वेशन में रेडियस r था, अब जो हमारी वाली इक्वेशन है उसमें रेडियस क्या है, रेडियस 2r के बराबर है। तो इक्वेशन लिखते हैं, आपको पता है जो रेडियस होता है उसका स्क्वायर करना होता है आपने, जैसे यहां पे रेडियस r था आपने उसका स्क्वायर किया, यहां पे रेडियस क्या है 2r, तो 2r का स्क्वायर क्या होता है 4r स्क्वायर। तो याद रखना अगर सेंटर सर्किल का ओरिजिन के ऊपर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो लिख दो इक्वल, जो भी उसका रेडियस है उसका स्क्वायर करना है आपने। अगर उसका रेडियस r है तो r स्क्वायर, अगर उसका रेडियस 2r है तो 2r का स्क्वायर करो 4r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें ये चीज पूरी सवाल में गिवन है, वो पूछ रहे हैं इक्वल के बाद क्या आएगा, तो इक्वल के बाद 4r स्क्वायर आएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 4 और 5 एक किस्म के क्वेश्चन है, याद रखना जब आपके सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर हो, जब आपके सर्किल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसमें वाई वाली टर्म नहीं होगी, मैं वाई वाली की बात कर रहा हूं, वाई स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, जस्ट वाई वाली टर्म नहीं होगी। और ऐसा सर्किल जिसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है तो उसमें एक्स वाली टर्म नहीं होगी। अगर आपको याद हो तो जनरल इक्वेशन सर्किल की ये वाली होती है, ठीक है। तो अगर ये तीन केसेस मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, गौर से सुनना, जनरल इक्वेशन से रिलेटेड, स्टैंडर्ड इक्वेशन से रिलेटेड ये वाला केस आ जाता है कभी, और ये वाला केस आ जाता है, रेडियस गिवन होता है, सेंटर गिवन होता है, आपने इक्वेशन मालूम करनी होती है, या ये वाला केस आ जाता है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड ये वाले सवाल आते हैं। जनरल फॉर्म से रिलेटेड तीन किस्म के सवाल आते हैं जो इसमें भी मौजूद होंगे और मैं एक साथ आपको बता देता हूं। सबसे पहला कि अगर सेंटर जो है, सेंटर इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर उसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसमें जो वाई वाली टर्म है जीरो हो जाएगी। तो उस इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा होगा, उसमें एक्स स्क्वायर वाली होगी, वाई स्क्वायर वाली होगी, एक्स वाली टर्म होगी, कांस्टेंट होगा, वाई वाली टर्म उसके अंदर मौजूद नहीं होगी। अब अगर बात की जाती है सेंटर इज ऑन वाई एक्सिस, अगर उसका सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है तो अब उसके अंदर एक्स वाली टर्म नहीं होगी, वाई वाली टर्म होगी उसके अंदर, लेकिन अब x वाली टर्म उसके अंदर नहीं होगी, उसके अंदर x स्क्वायर y स्क्वायर y और कांस्टेंट होगा लेकिन x वाली टर्म नहीं होगी। ये दूसरा केस है। तीसरा केस है कि सेंटर इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, कि सेंटर जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो फिर क्या होगा, अगर आपका सर्किल जो है, नहीं सॉरी, सर्किल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे तो हमने डिस्कस कर लिया ना, सर्किल अब ओरिजिन से पास कर रहा है, मतलब इस वाले केस में ये डायग्राम थी कि आपके सर्किल का सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ठीक है, और ये वाला केस जो है ना ये है कि अगर आपका सर्किल खुद ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वाला केस मैं बता रहा हूं कि जब सर्किल जो है वो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये आपने स्ट्रेट लाइन में भी देखा था कि जब स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती थी तो उसके अंदर कॉन्स्टेंट नहीं होता था, सेम कॉन्सेप्ट सर्किल के अंदर भी है। अगर सर्किल की इक्वेशन में अगर सर्किल ओरिजिन से पास कर रहा है, इफ सर्किल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन उसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो तीन केसेस हैं, तीन ही किस्म के एमसीक्यूज आपको नजर आएंगे, बल्कि 4-5 एमसीक्यूज हैं, कॉन्सेप्ट यही है। अब जरा देखते जाओ, 4 में लिखा हुआ है दिस सर्किल हैज ए सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, चार ऑप्शन दिए हैं, आपने ये देखना है कि वो वाला ऑप्शन ठीक है जिसमें वाई नहीं है, क्योंकि जब सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो वाई वाली ड्रम नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए वाहिद ऑप्शन है जिसमें वाई वाली ड्रम नहीं है, बी में भी मिलेगी, सी में भी मिलेगी, डी में भी मिलेगी, तो उसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो सर्किल है उसका सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है। 5 में लिखा हुआ जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल हूज सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पे सेंटर लाई कर रहा है तो एक्स वाली टर्म क्या होगी, जीरो होगी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो ठीक है। देखो उसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, वाई वाली टर्म है लेकिन एक्स वाली टर्म नहीं है। तो डिटेल से मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिए, रीजन ये होती है कि जब सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर होता है ना तो एफ जीरो होता है, अगर एफ जीरो है तो फिर वाई वाली टर्म जीरो हो जाती है, इसी तरह अगर सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर है तो जी जीरो होता है,
और अगर जी जीरो है तो एक्स वाली टर्म खत्म हो जाती है पूरी, ये इसकी रीजन है। और जब पास कर रहा है ओरिजिन से तो कॉन्स्टेंट जीरो हो जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल में बता दिए, अगर ना समझ आया तो रिवाइंड करना, अपने पास लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे वो खेल सकते हैं। सिक्स में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन। सिंपल सी बात है, जिस सर्किल में कॉन्स्टेंट नहीं है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर आप देखो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें आपको कॉन्स्टेंट नजर नहीं आ रहा, उसमें एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक्स की टर्म है, वाई की टर्म है, लेकिन कॉन्स्टेंट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी में जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। सेवन में लिखा हुआ है सर्किल पासेस थ्रू ओरिजिन इफ, वही कॉन्सेप्ट है भाई। अगर जनरल फॉर्म लिखी हुई है, जनरल फॉर्म है भाई, अगर ये सर्किल ओरिजिन से पास करेगा तो क्या बताया मैंने, कॉन्स्टेंट जीरो होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखो एक ही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट अंदाज में बस पूछा हुआ उन्होंने। अच्छा अब मैं जो 10 है ना वो पहले करवा देता हूँ। 10 में एक सर्किल की इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें सी जो है वो अननोन है और आपको सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, बोला गया है कि सर्किल इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करना, उस पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में पुट कर देना, एक्स की जगह -1 पुट करना, वाई की जगह 0 पुट कर देना, सॉल्व करना, देखना कॉन्स्टेंट 0 आ रहा होगा। यहाँ पे हर केस में 0 नहीं आ सकता, कोई भी पॉइंट पेपर में लिखा हो कि अगर आपको बोला जाए पॉइंट सर्किल के ऊपर है या सर्किल इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप उस पॉइंट को इक्वेशन के अंदर पुट कर दो और जो भी अननोन है उसकी वैल्यू आप मालूम कर लो। तो इसमें देखना कॉन्स्टेंट 0 आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। 9 क्या है, टू सर्किल आर सेट टू बी कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जिनका सेंटर जो है वो सेम होता है, रेडियस उसका डिफरेंट होता है लेकिन सेंटर जो है वो सेम होता है। तो ऐसे सर्किल जिनका सेंटर सेम है उनको आप कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहते हो, ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो जनरल फॉर्म है ना, इसमें दो चीजें आपको बता होनी चाहिए। सेंटर में अभी नहीं बता रहा, सेंटर और रेडियस दो बातें होती हैं। सेंटर का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ चलो, लेकिन इस तरह निकालना नहीं है आपने, उसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जनरल फॉर्म में सेंटर होता है -g - f पे, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में a, b पे होता है ना, जनरल फॉर्म में -g - f पे होता है। और रेडियस का फॉर्मूला होता है g² + f² - c, ये दो चीजें होती हैं। अब किस तरह MCQ जाएंगे जरा देख लेते हैं। 8 में लिखा हुआ था रेडियस ऑफ अ सर्किल। अच्छा इक्वेशन सर्किल की वही जनरल फॉर्म है, बस जनरल फॉर्म में सी है ना, ऑप्शन में उन्होंने के लिखा हुआ है, क्या आया वो, ठीक है, तो बस रेडियस का यही फॉर्मूला है। अगर इक्वेशन में सी की जगह के आया हुआ है तो रेडियस में भी आप सी की जगह के पुट कर दो, बाकी तो वही कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, सी और के में फर्क है पूरा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छा अब मैं 13 पे आ रहा हूँ, क्योंकि ऑर्डर थोड़े से मिसप्लेस हो गए, लेकिन 13 पे मैं आ रहा हूँ, 13 पहले करवा रहा हूँ, और वो है सेंटर ऑफ सर्किल निकालने के लिए। ये सवाल बड़ा मशहूर है, जरा देख लो किस तरह सेंटर निकालोगे। जो आपने सब्जेक्टिव में पोर्शन किया हुआ है उसमें सेंटर निकालने का प्रोसेस तो लंबा है, शॉर्ट तरीके से कैसे सेंटर निकालोगे आप, और रेडियस भी मैं बता दूंगा कैसे निकालोगे। ये सर्किल की इक्वेशन गिवन है, आपको बोला हुआ है 13 में कि यार इसका सेंटर निकालो। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जो एक्स का कोफिशिएंट है ना -2 से डिवाइड कर दो उसको, -6 को जब आप -2 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3। जो y का कोफिशिएंट है उसको भी -2 से डिवाइड कर दो, 8 को -2 से डिवाइड करो -4, दैट्स इट। कोई कंपेयर करवाने की, कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है, x के कोफिशिएंट को और y के कोफिशिएंट को -2 से आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास सेंटर आ गया। -6 डिवाइडेड बाय -2, 3, 8 डिवाइडेड बाय -2, -4, सेंटर आ गया। बिलफर्ज अगर वो आपको यहाँ पे बोलते कि रेडियस भी निकालो, मतलब अगर एक सवाल आता जिसमें सेंटर ना निकालना होता, रेडियस आपको निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप सेंटर निकाल लेना, ठीक है। अगर आपको रेडियस भी बोला जाए ना निकालने के लिए तो सेंटर ज़रूर निकाल लेना, क्योंकि जैसे सेंटर आएगा रेडियस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे, सेंटर के कोऑर्डिनेट को स्क्वायर करना है आपने, 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, माइनस कॉन्स्टेंट, रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ना माइनस कॉन्स्टेंट, तो माइनस कॉन्स्टेंट ऑलरेडी नेगेटिव है, -24 है, तो माइनस पॉजिटिव। अब अगर आप इसको ऐड करो तो 49 आ रहा है, और 49 का रूट 7 होता है, इसका मतलब रेडियस 7 है और सेंटर इसका 3, -4 पे। दोबारा रिवाइज करवाता हूँ, अगर आपको सेंटर बोला जाए तो एक्स के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, सेंटर आ गया।
दूसरी बात, अगर आपसे वो बिलफर्स रेडियस निकालने को बोला जाए तो आप पहले सेंटर निकाल लेना, ठीक है। जैसे ही आपके पास सेंटर आ जाए तो दोनों कोऑर्डिनेट को सबसे पहले स्क्वायर करके ऐड कर लेना, फिर लिखना माइनस जो भी कांस्टेंट होगा इक्वेशन में वो लिख देना, ठीक है। और इस पूरे रूट को सॉल्व करना, आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो दोनों बातें मैंने डिस्कस कर ली है इसके अंदर। अब ऊपर आ जाओ, जो हमारे मिस हो गए, 11 मिस हो गया था। आपको चेक करना है कि ये पॉइंट सर्किल के इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है। बहुत इजी तरीका है ऑप्शन में। अच्छा, इस टाइप के सवाल इस तरह पूछे नहीं जाते, वो इस टाइप का दे देते हैं। मतलब एक पॉइंट दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि ये इस सर्किल के किधर है। ऑप्शन में लिखा होगा इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द, वो इजी हो जाता है ना कि आपने एक ही पॉइंट पुट करना है। अब सवाल यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है कि विच पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल। अब इसमें आपको सारे ऑप्शन पुट करने पड़ जाएंगे। तो नॉर्मली इंटर लेवल पे ये वाला नहीं आता। इंटर लेवल पे आपको एक पॉइंट दे देंगे, एक इक्वेशन दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ ये इनसाइड है या आउटसाइड है। बहरहाल ये एमसीक्यूज आया हुआ है, तो इसमें ये होगा सिंपल, आप ऑप्शन पुट करोगे सर्किल की इक्वेशन में। अगर आंसर नेगेटिव आए तो इनसाइड, आंसर पॉजिटिव आए आउटसाइड, ये करना है बस। तो आई गेस अगर आप इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए पुट करोगे, करके देख लेते हैं, एक्स की जगह -1, वाई की जगह -2 पुट करना है। तो -1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से करो 8 हो जाएगा, -1 को 3 से करो -3, -2 को 4 से करो -8, -1। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए ही पुट कर रहे हो, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आंसर इसका क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। और -2 डेफिनेटली लेस देन 0 नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में जो पॉइंट है वो इनसाइड द सर्किल लाई कर रहा है। जब इस टाइप के सवाल आते हैं ना, आपने देखा ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ठीक इसलिए कि जब आपने पुट किया आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इनसाइड है वो सर्किल के, पॉजिटिव आता तो आउटसाइड हो जाता। आपसे इनसाइड के ही पूछा गया था सवाल में। अब ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जब बोथ का ऑप्शन तो कहीं नहीं है ना यहाँ पे। तो अगर ऑप्शन नंबर ए ठीक है तो ठीक है, उसको ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। और आखिरी है 12, विच वन इज नॉट द इक्वेशन ऑफ सर्किल। याद रखना सर्किल की इक्वेशन में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली बात कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों टर्म मौजूद होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर भी मौजूद होना चाहिए, वाई स्क्वायर भी मौजूद होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के सेम कोएफिशिएंट होंगे। अगर इसका 1 तो इसका भी 1, अगर इसका 2 तो इसका भी 2, अगर इसका 3 तो इसका भी 3। साइन भी सेम है ऑब्वियसली, मैंने तभी बोला सेम कोएफिशिएंट होंगे, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम होगा, तो समझ जाना वो सर्किल की इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर ए में देखो दोनों बातें सेटिस्फाई हो रही हैं, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, और दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, बी में भी सेम है, सी में भी सेम है, लेकिन डी में डिफरेंट है। डी में एक्स स्क्वायर का 1 है और वाई स्क्वायर का 2 है, इसका मतलब ये सर्किल नहीं है, ये एलिप्स होता है। बहरहाल सर्किल की इक्वेशन ऑप्शन नंबर डी नहीं है। दैट्स इट, जो सर्किल का पोर्शन है चैप्टर नंबर 7 वो हमने कंप्लीट कर लिया 15 मिनट के अंदर। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 8 निहायत ही ईजी है यार, स्टूडेंट को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज में बहुत ही ईजी एमसीक्यूज आते हैं चैप्टर 8 के। मैंने तभी कहा था एमसीक्यूज कर लो काफी हो जाएंगे, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ ना वो भी आराम से एमसीक्यूज की मदद से, जो 25 एमसीक्यूज हैं उसमें से 20 अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से। जिन्होंने पढ़ा हुआ भी नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, और जिन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है और अगर एग्जाम में 2-3 हटके भी आ गए तो वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ पूरा। अगर तो बिल्कुल सेम आ गए तो आपके 50 हैं सबके पूरे, हल्का फुल्का चेंजिंग हो सकती है, 1-2 एमसीक्यूज हटके आ जाए वो, तो आप थोड़ा इंप्रोवाइज कर लेना जिसको कॉन्सेप्ट आता है। और जिसको बिल्कुल भी नहीं आता यार, उनके लिए यही गनीमत है कि आपके 40-45 स्कोर आ रहा है एमसीक्यूज के अंदर, बहुत बड़ी बात है ये भी। अब चैप्टर 8 के आप पास पेपर के देखो बहुत ही ईजी है, लेटेस्ट एक्टम, वर्टेक्स, एसेंट्रिसिटी, यही है बस और कुछ भी नहीं है। सबसे पहला एमसीक्यूज है, अच्छा ये याद रखो जो एलिप्स की इक्वेशन होती है ना ये वाली, ज़्यादातर बल्कि हमेशा वो इसी से पूछते हैं क्योंकि सबसे ईजी इक्वेशन होती है, याद करने में आसान है। तो इसमें 2-3 बातें पूछी जाती हैं, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, लेटर सेक्टम क्या है इसका, तो एलिप्स का लेटर सेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। एलिप्स का लेटर सेक्टम, अच्छा हाइपरबोला के भी ये होता है, एलिप्स और हाइपरबोला के कोऑर्डिनेट सेम है। लेटर सेक्टम एलिप्स का, हाइपरबोला का, दोनों का क्या होता है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, पहली चीज। अगर आपसे बोला जाए सेमी लेटर सेक्टम, सेमी का मतलब होता है हाफ कर दो, अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, सेमी लेटर सेक्टम b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा।
सिंपल, आपने लेटर सेक्टम को 2 से डिवाइड कर दिया तो सेमी लेटर सेक्टम आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए। तो शुरू के 2 एमसीक्यूज तो इसी से कवर हो गए हमारे। अच्छा, और क्या आता है इसके बारे में? डिस्टेंस बिटवीन फोसाए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोसाए 2c के बराबर होता है। इससे आपका तीसरा एमसीक्यूज कवर हो गया, ठीक है। चौथा एमसीक्यूज में सेंटर पूछा हुआ है, तो याद रखना अगर इलिप्स की इस टाइप की इक्वेशन होती है, ये वाली इक्वेशन हो जाए या अलोंग वाई एक्सिस वाली इक्वेशन हो जाए, मतलब जिसमें ऊपर एक्स के साथ कुछ और नहीं लिखा हुआ, जैसे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, जो मुश्किल वाली इक्वेशन होती है ना, वो देते भी नहीं है एमसीक्यूज में। अगर वो नहीं लिखा हुआ तो सिंपल इसका सेंटर जो होता है ओरिजिन के ऊपर होता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और बिलफर्ज मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, अगर जैसे 4 एमसीक्यूज में ये वाली इक्वेशन आई हुई है, ये इक्वेशन है, तो वही मैंने बात बताई, इसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन के ऊपर होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही फॉर्म है, ओरिजिन के ऊपर होगा। अगर वेरिएशन आ जाए तो मैं जरा करवा देता हूं, वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं बनेगा, लेट कर लो भाई, ये आ जाए, इससे मुश्किल तो आ ही नहीं सकता ना, ये भी बड़ा ईजी है। इस टाइप की इक्वेशन लिखी हो जिसमें ऊपर खाली एक्स ना हो, एक्स के साथ पूरा होल स्क्वायर इस टाइप का मौजूद हो, बहुत इजी है। यहां पे सेंटर कैसे बताओगे भाई? एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है? 2। वाई के साथ क्या लिखा हुआ है? 3। खत्म बात, सेंटर क्या हो जाएगा? 2, 3 हो जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव है ना तो 2, 3 लोगे, अगर कोई पॉजिटिव आ जाएगा दरमियान में तो फिर आप नेगेटिव वैल्यू लोगे, जैसे अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो आप -3 आप ले लोगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही एक्सट्रीम केस है, एमसीक्यूज में वो इतने मुश्किल देते नहीं है, लेकिन अगर देते तो मैंने बता दिए कि जस्ट ऊपर की आप चीज देखोगे आपके पास आसानी से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। लेकिन इस वाले केस में तो सेंटर बड़ा ईजी है, कहाँ पे होगा? ओरिजिन के ऊपर हो जाएगा, ठीक। और एक और बात इससे रिलेटेड आपको क्या पता होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इलिप्स हाइपरबोला दोनों में क्या होता है? C अपॉन A होता है। तो ये 3-4 बातें हैं जो इलिप्स से रिलेटेड बहुत पूछी जाती हैं, मैंने आपको बता दी, मसला हल। अब कुछ और पे आ जाते हैं, अच्छा जो 4 शुरू के एमसीक्यू थे ना, अच्छा एक और बात ही पूछी जाती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन होती है प्लस माइनस A अपॉन E, ठीक है, ये बात भी हमारी कंप्लीट हो गई। तो शुरू के जो 5 एमसीक्यूज है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं कुछ और पहले आपको बता देता हूँ ना, चलो यही कर लेते हैं अभी, ठीक है। ये जो बातें ये तो सबसे पहले आपने नोट कर लेनी है, इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए स्ट्रेट अवे आपने लिख देना है वो। डिस्टेंस बिटवीन फोसाए, अच्छा ये मैंने जनरल फॉर्म में बताया, मैं अगर आपसे कुछ स्पेसिफिक पूछ लिया जाए, जैसे जो 6 है उसको जरा देखते हैं। 6 में लिखा हुआ था इक्वेशन ऑफ एलिप्स हूज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b के बराबर। मेजर एक्सिस की लेंथ 2a, माइनर एक्सिस की लेंथ 2b होती है। तो सवाल में लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 4 है, मतलब मेजर एक्सिस की लेंथ 4, माइनर एक्सिस की लेंथ 3 होती है। एंड मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस वाला केस है, इजी वाला, ठीक है। डिफरेंट वाले भी होते हैं, वाई एक्सिस वाले भी होते हैं, लेकिन अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर 8 उनको समझाऊंगा तो मसला हो जाएगा, और जिन बच्चों ने किया हुआ है चैप्टर 8 उनको पता है कि वाई एक्सिस की इक्वेशन कितनी ईजी हो जाती है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाता है बस, तो उनको बताने की जरूरत भी नहीं, उन्होंने किया हुआ सही तरीके से, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज है मैंने पास पेपर में यही देखे हमेशा, अगर हटके आ गए तो थोड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने किया हुआ है वो कर लेंगे इसको। लेकिन हम इतना ही करते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो, ज़्यादा चांसेस 99.99% इन्हीं के होते हैं। चलो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकाल लिया, अब यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए 2 आ जाएगा, बी जो है वो 3/2 आ जाएगा। आपको पता है जब सेंटर एक्सिस जो है मेजर एक्सिस वो अलोंग एक्स एक्सिस हो तो ये इक्वेशन होती है, क्या करना है इसमें? और ए स्क्वायर क्या होगा? 2 के बराबर 4 हो जाएगा, मतलब ए का स्क्वायर करो 4। अच्छा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर करो 9/4, ये 4 ऊपर जाके वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी। जो नीचे 9/4 था ना, ये 4 जाके ऊपर वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है एलिप्स के, ठीक है। तो आपको अगर ए और बी की वैल्यू पता है आप आसानी से एलिप्स की मेजर एलिप्स की इक्वेशन निकाल सकते हो, ठीक है। ये 6 हो गया, 7 पे आ जाओ, 7 में लिखा हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, ठीक है।
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालनी है। याद रखना इलिप्स की इक्वेशन में जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर होता है। इन दोनों में बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है? 16 है, तो ए स्क्वायर 16 है, और दूसरा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जस्ट निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2a के बराबर होती है। यहाँ से a की वैल्यू निकालो 4, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि a पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। a 4 हो गया, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालो 8। a को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेजर एक्सिस की लेंथ 8 आ गई। वेरिएशन क्या आ सकती है? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो b निकालना, b 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना 6, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो बहुत इजी एमसीक्यूज आते हैं, आप लोग आसानी से स्कोर कर सकते हो चैप्टर 8 के अंदर। अगेन वही बात, पोजीशन आपसे पूछी गई है, जैसे आपने सर्कल में मालूम की थी इलिप्स में वैसे मालूम करो। पहले आप जितनी भी टर्म है ना उनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना, 11 राइट हैंड साइड पे, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना। अब यहां पे पूछा हुआ है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, वही बात है, पॉइंट गिवन है, इक्वेशन गिवन है, आप इस पॉइंट को इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, डेफिनेटली आंसर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। चेक करके देख लेना, आंसर इसका पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये इलिप्स के आउटसाइड है। अगर नेगेटिव आता तो इनसाइड हो जाता, और अगर जीरो हो जाता तो इसका मतलब ये इलिप्स के ऑन द है, मतलब इलिप्स के ऊपर है बिल्कुल। तो आप पॉइंट पुट करना, पॉजिटिव आंसर होगा। अच्छा, 11 को पहले इधर ले आना, पॉजिटिव हो जाएगा तो वो आउटसाइड हो गया। अब 9 से ऑनवर्ड 5-6 एमसीक्यूज निहायत ही ईजी हैं, और ये मैंने फिर कम डाले, पास पेपर में इतने दफा रिपीट हुए, मैंने कुछ जो रिपीट हो रहे थे उनको हटा दिए, मैंने कहा फालतू के भड़ गए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो है कि आपने 3 इसेंट्रिसिटीज याद रखनी है। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी होती है 0 और 1 के दरमियान। अब आपको बेशक कख ना पता हो इसेंट्रिसिटी क्या चीज है, आप इसे याद कर लो, पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है 1 के बराबर। और अब बात करते हैं भाई हाइपरबोला, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है 1 से ग्रेटर। अब मुझे बताओ ये समझना याद करना कितना मुश्किल है। अब इन 3 कॉन्सेप्ट के तहत हम 6-7 एमसीक्यूज करेंगे। पहले सवाल में लिखा हुआ है 9 में इसेंट्रिसिटी 2 है, बताओ कौन सा कॉनिक है। भाई अगर ग्रेटर देन 1 है, 2 ग्रेटर देन 1 होता है ना, तो जब ग्रेटर देन 1 इसेंट्रिसिटी हो इसका मतलब वो हाइपरबोला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे ठीक हो जाएगा। 10 में क्या लिखा हुआ है? इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है, तो इसेंट्रिसिटी जब 1 से लेस होती है तो वो क्या होता है? एलिप्स हो जाता है। 11 में लिखी हुई इसेंट्रिसिटी 3/2 है, 3/2 1.5, और 1.5 1 से ग्रेटर होता है, तो जो 1 से ग्रेटर है उसको आप क्या बोलते हो? हाइपरबोला बोल देते हो। 12 में लिखा हुआ इसेंट्रिसिटी 1 है, पैराबोला की बात की जा रही है, ठीक है। ये सब पास पेपर में आया हुआ आपके, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और 13 में पूछा हुआ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो वाला हाइपरबोला होता है, दो बातें आपको याद होनी चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड, कि इसमें ए और बी बराबर होते हैं पहली बात, दूसरी बात रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी √2 होती है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए बी के बराबर है और इसेंट्रिसिटी √2 के बराबर है। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी पूछी गई है तो √2 इसका आंसर है। अगर दूसरी कंडीशन पूछी जाती तो a इक्वल टू बी भी पूछ सकते थे, वो दोनों मैंने बता दिया। अगर वेरिएशन आई उसमें ये ऊपर वाली कंडीशन पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में लिखा होगा a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a इक्वल टू b, तो इक्वल वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये था, मुश्किल है। 14 पे आ, अच्छा 14 15 भी सेम कॉन्सेप्ट है। याद रखना इलिप्स में ये चीज होती है, इलिप्स में बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, ये मैं थोड़ा अलग तरीके से बताता हूँ, दो कंडीशन है जो आपको इलिप्स और हाइपरबोला में याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि इलिप्स में बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को इस तरह भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। कैसे? क्योंकि c जो है वो ए ई के बराबर होता है, तो ए ई का जब स्क्वायर करोगे फिर ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर रीजन आप चाहो तो ये मैंने बता दी है। ये बात होती है इलिप्स के अंदर। अब हाइपरबोला पे आ जाओ, हाइपरबोला में उल्टा कर दो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये कंडीशन भी उल्टी हो जाएगी, ई स्क्वायर माइनस 1। ये याद रखना है आपने, तो ये हो गया हाइपरबोला। तो पहली वाली कंडीशन जो है वो इलिप्स की है 14 में, और 15 में हाइपरबोला की कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इलिप्स और हाइपरबोला से रिलेटेड यही सवाल थे, नीचे कोई और तो नहीं लिखे हुए।
23 देख लेते पहले, 23 में लिखा हुआ है इन हाइपरबोला, सी स्क्वायर क्या होता है? आपने याद रखा हुआ है हाइपरबोला में बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर आपसे कोई पूछे हाइपरबोला में सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो आप माइनस ए स्क्वायर को उधर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाइपरबोला में सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 पे आ जाओ। अच्छा, अब सवाल किया गया वर्टिसेस का। अच्छा, इलिप्स का अभी तक वर्टिसेस का सवाल नहीं आया था, तो मैं बता देता हूँ वर्टिसेस कैसे निकालने। सेम कॉन्सेप्ट है, हाइपरबोला इलिप्स दोनों में सेम ही तरीके से वर्टिसेस निकालते हो। हाइपरबोला में दरमियान में नेगेटिव आता है, इलिप्स में दरमियान में पॉजिटिव आता है। वर्टिसेस कैसे हम निकालते हैं? वर्टिसेस के लिए आपको ए पता होना चाहिए बस। जैसे अगर इस वाले केस में आपको वर्टिसेस निकालने होते तो कैसे निकालते? ए क्या था? 4। आप लिखते हैं प्लस माइनस 4, 0, दैट्स इट। जो ए आपने निकाला आप लिखना प्लस माइनस 4, 0, आपके पास वर्टिसेस आ जाएंगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हाइपरबोला के अंदर भी है। हाइपरबोला में जो पॉजिटिव टर्म होती है ना, उसका डिनोमिनेटर ए स्क्वायर होता है। जैसे मैंने इलिप्स में बताया था ना कि जो बड़ा डिनोमिनेटर है वो ए स्क्वायर है, लेकिन हाइपरबोला में बड़ा नहीं आप देखते। हाइपरबोला में आप देखते हो कि जो पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है ना, जो पॉजिटिव टर्म है उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? ए स्क्वायर। तो यहाँ भी ए स्क्वायर 16 के बराबर है, ए 4 के बराबर है। अब अगर वर्टिसेस पूछे जाए तो वही काम करना है, प्लस माइनस 4, 0, ये वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो बस खत्म। आपने देखा या तो लेटेस्ट एक्टम से रिलेटेड सवाल होगा, लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ माइनर, इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायटिसिस, सेंटर, वर्टिसेस। ये 5-6 चीजें जो आपको याद रखनी है, पूरे आपके एमसीक्यूज कवर होंगे नहीं इनसे, और इसी में से वो आपको दे देंगे कुछ। ठीक है, थोड़ा हट के आगे तो यार अब थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा ना आपको। जब पूरे साल किसी ने नहीं पढ़ा तो अगर 3 सवाल आ रहे हाइपरबोला से, अगर आप 2 भी कर लो तो ये आपकी जीत है। इवन आप 1 भी कर लो, अगर आपने हाइपरबोला पढ़ा हुआ भी नहीं, 1 एमसीक्यूज करने का मतलब 2 नंबर, तो ये भी आपकी जीत है कि आपको 2 नंबर मिल रहे हैं वो चैप्टर से जो आपने किए ही नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं तसल्ली दे रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं देंगे वो। वो नॉर्मल पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, तो अभी भी कोई इतना मुश्किल नहीं वो देंगे। अब आ जाओ, अब जितने सवाल हैं वो पैराबोला से रिलेटेड हैं, वो भी जब हम कवर करेंगे तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और पैराबोला से रिलेटेड भी वही घिसे पेटे हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं वही दे रहे होते हैं, उन्हीं को हम देख लेते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है, आ जाओ भाई ऊपर हम आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 16 में। पैराबोला की इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। पैराबोला की कुछ भी इक्वेशन हो, जैसे इलिप्स और हाइपरबोला की कुछ भी इक्वेशन हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 2b² / a होता है। तो इसी तरह पैराबोला की कोई भी इक्वेशन हो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमेशा 4a के बराबर होता है, हमेशा। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब पैराबोला की इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आ रही है, जैसे मैं बताता हूँ 18 पे आ जाओ, 18 में पैराबोला की इक्वेशन गिवन है। इससे रिलेटेड 2 बातें पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, तो अगर आपसे इसका वर्टेक्स पूछा जाए तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है। अगर इस टाइप की पैराबोला की इक्वेशन हो, एक एक्स स्क्वायर की टर्म हो, एक वाई वाली टर्म हो, तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे होगा? ओरिजिन के ऊपर। और दूसरी बात क्या पूछते हैं, इसका लेटेस्ट एक्टम की लेंथ क्या है? तो जो वाई के साथ लिखा हुआ है वो लेटेस्ट एक्टम होता है, वाई के साथ जो है वो लेटेस्ट एक्टम होता है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेना, तो वाई के साथ -28 है, पॉजिटिव कर लो। ये 2 बातें पूछते हैं वो, वर्टिसेस या लेटेस्ट एक्टम, बता दिया आपने। तो 18 का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28। ठीक है, अगर पैराबोला की इक्वेशन इस टाइप की आ जाए, जैसे एमसीक्यू नंबर 17 में, तब क्या होगा? तब भी ये दोनों चीजें हम देख लेते हैं क्या होंगे। अच्छा, लेटेस्ट एक्टम का कॉन्सेप्ट वही है, जो इस ब्रैकेट के साथ चीज लिखी हुई है अभी भी आप उसको क्या बोलोगे? लेटेस्ट एक्टम। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों डिफरेंट है ना, इसमें आपको पता है जब ओपन करोगे एक्स की टर्म भी होगी, और इसमें ओपन करो एक वाई की टर्म होगी, साथ कॉन्स्टेंट की टर्म भी होगी। इसमें तो सिंपल इक्वेशन थी, तो इसमें भी लेटेस्ट एक्टम क्या था? जो वाई के साथ आ रहा है। इसमें भी लेटेस्ट एक्टम क्या है? जो यहाँ पे मौजूद है, जो बाहर कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, लेटेस्ट एक्टम हो गया। अब दूसरी चीज, वर्टेक्स पूछा जा सकता है, जो इस सवाल में पूछा हुआ है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ जो भी चीज लिखी हुई है वो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा ना, तो अब आप 2 की नेगेटिव वैल्यू लिखोगे। अगर ये -2 होता
तो यहाँ पे आप 2 लिख रहे होते हैं, ये पॉजिटिव 2 है तो अब आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, -2 लिख रहे हो। इस तरीके से आप वर्टिसेस निकालोगे। एक चीज़ बस ख्याल रखना कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में आई हुई है, मतलब पहले इधर एक्स की टर्म है और इधर वाई की टर्म है, तो आप इस तरीके से निकालोगे। अगर ये उल्टा हो जाए, अगर इस तरह आ जाए, मतलब पहले y की टर्म है तो आप इसको फिल भी उल्टा करना, फिर अगर इस तरह आ रहा है तो अब ये जो पहली वैल्यू है ना, ये वर्टेक्स की दूसरी वाली वैल्यू आएगी और जो x के साथ लिखा हुआ है वो वर्टेक्स की पहली वैल्यू होगी। इसका ख्याल रखना, बस ये थोड़ी चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर पहले इधर x लिखा हुआ है तो वही काम करो, जो x के साथ इधर लिखा हुआ है वो पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा वर्टेक्स का, जो इधर y के साथ लिखा हुआ है पॉजिटिव के साथ है तो आप नेगेटिव वैल्यू लिख दोगे। लेकिन अगर पैराबोला की इक्वेशन में इधर y आ रहा है तो अब जो y के साथ लिखा होगा वो वर्टेक्स का दूसरा कोऑर्डिनेट होगा और जो x के साथ लिखा होगा वो वर्टेक्स का पहला कोऑर्डिनेट होगा। बस याद रखना, जो भी x के साथ लिखा हुआ है वो वर्टेक्स का पहला कोऑर्डिनेट है, तो आप आसानी से कर सकते हो, और जो y के साथ लिखा हुआ वो दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर वेरिएशन भी आ गई तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर लेना। अच्छा जी, 21 अगर आप देखो उसमें भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टम पूछी गई है, तो वही काम करना है। वहां पे y प्लस 2 के साथ -8 लिखा हुआ है, तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर कर लो 8, तो 21 में लेटेस्ट एक्टम की लेंथ क्या हो जाएगी, 8 के बराबर हो जाएगी। 19 पे आ जाओ, 19 में आपसे बोला हुआ गया है कि फोकस है 3,0 और वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर है। जब वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर होता है ना, तो दो इक्वेशन हो सकती हैं, या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। कैसे पता चलेगा, फोकस से देख के पता चलेगा। अगर फोकस में y कोऑर्डिनेट 0 है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, और अगर फोकस इस तरह हो तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लोगे। और ये दो ही केस आ सकते हैं, मुश्किल वाले केस नहीं वो आपको देंगे, ठीक है। तो अगर 3,0 हो तो ये वाली इक्वेशन, ठीक है, और अगर 0,3 है, मतलब अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो आप y वाली इक्वेशन यूज करोगे, अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो आप x वाली इक्वेशन यूज कर लोगे, ठीक है। बहरहाल इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है तो y वाली इक्वेशन यूज करो, ठीक है। ये जो लिखा होता है ना, ये इसको आप a बोलते हो, फोकस में जो 3 या 2 जो भी लिखा होगा वो a के बराबर होगा। तो a यहां पे 3 है, पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। तो मैं सिर्फ MCQ सॉल्व नहीं करवा रहा, वेरिएशंस भी डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 12x। 20 में आपसे कंडीशन पूछी गई है। अच्छा, 8.4 में अगर आपको याद हो तो 4 कंडीशन थी, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। तो इन चारों की कंडीशन आप लोग याद कर लेना। मैं 8.4 में बकायदा सॉल्व करवाई हुई है मैंने, उसमें से जो पैराबोला है उसकी कंडीशन ये होती है, सी इक्वल टू ए अपॉन एम, ठीक है। सर्किल की भी होती है यार, सर्किल में वो MCQs होगा, मैंने तो डाला था, एक सेकेंड, वो मिस तो नहीं हो गया मुझसे कहीं? नहीं, वो मिस हो गया मुझसे, वो पास पेपर में आया हुआ है जहां तक मुझे याद है। मैं चारों की कंडीशन बता देता हूँ। ये पैराबोला की कंडीशन होती है, ठीक है। सर्किल की कंडीशन देख लेते हैं। सर्किल की कंडीशन होती है सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये 8.4 का टॉपिक है और 7.2 का था, 7.2 रिड्यूस हो गया, दैट्स व्हाई शायद मैंने MCQs नहीं डाला वो वाला, लेकिन 8.4 में आ जाएगा, इसलिए 8.4 में सर्किल वाला नहीं है, तभी मैंने शायद PDF में नहीं डाला, लेकिन मैंने डिस्कस कर लिया है, देख लो इसको। अच्छा, इलिप्स की क्या होती है? इलिप्स की होती है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होगी इलिप्स की। और हाइपरबोला की हो जाएगी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चारों की कंडीशन और टेंजेंसी बता दी, जिसमें 3 तो आपके कोर्स का हिस्सा है, ये वाला जो है ये कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये MCQs आ चुका है। ये इस तरह नहीं आया था, रूट लिया हुआ था उन्होंने। अगर सी स्क्वायर है ना, आप सी चाहिए आपको तो आप रूट ले लो, यहां पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और अगर आर स्क्वायर को आप रूट से बाहर निकालना चाह रहे हो, आर स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो वो आर हो जाएगा, तो आप इतने ऊपर रूट लगा दो, तो ये आपको नजर आ जाएगा आपके पास पेपर में कि सी बराबर है प्लस माइनस आर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैसे कोर्स का ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, भूला भटका आना जाए, लेकिन ये 3 कंडीशन तो लाजमी आपको याद होनी चाहिए, पैराबोला की, इलिप्स की, हाइपरबोला की। इसको हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। खैर,
जो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी पैराबोला की ऑप्शन नंबर 20 में ऑप्शन नंबर बी ठीक है यहाँ पे, ठीक है। आई गेस सारे हो गए एमसीक्यूज, 22 रह गया। 22 में लिखा हुआ है कि इक्वेशन पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये काइंड ऑफ सर्किल की इक्वेशन आपको लग रही है ना, लेकिन ये है नहीं। वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट करवाना है कि पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा। याद रखना पैराबोला की इक्वेशन में x स्क्वायर y स्क्वायर एक साथ नहीं हो सकते, या तो x स्क्वायर होगा या y स्क्वायर होगा। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसमें y स्क्वायर आएगा, इसमें x स्क्वायर आएगा, इसमें x स्क्वायर है, y स्क्वायर, या तो x स्क्वायर होगा या y स्क्वायर होगा। तो सेम टाइम पे ये दोनों मौजूद नहीं हो सकते, इसमें से एक को आपने जीरो करना है। तो दो कंडीशन बनेगी, या तो a जीरो है मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं होगी, और बी नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब वाई स्क्वायर वाली टर्म होगी, या ए को नॉट इक्वल टू जीरो कर लेते हैं मतलब एक्स स्क्वायर मौजूद है, वाई को जीरो कर देते हैं। वाई को आप जीरो नहीं कर सकते मतलब उसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप जीरो कर दो। तो या तो ए जीरो हो बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तब भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, या ए नॉट इक्वल टू जीरो हो बी जीरो हो तब भी पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसमें से जो ये वाली कंडीशन है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखी हुई है, तो ये ठीक है। ये दोनों ठीक है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती, कोई भी एक दे देंगे वो आपको, ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है, ठीक है। तो आई गेस बहुत ज्यादा लेंथ बन गई है, तकरीबन 2.5 घंटे की बन जाएगी वीडियो। बहरहाल तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसके सारे एमसीक्यूज कर ली। यार मेरी कोशिश है कि मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं कर दूँ, जिस तरह का भी सवाल आ जाए आप आसानी से कर लो। अब डेफिनेटली जो पहली दफा कर रहे हैं उनको मसला हो सकता है, देख लो यार। फिर एटलीस्ट जो पीडीएफ में दिए हैं वो तो सॉल्व कर लो आप, जो वेरिएशन मैंने डिस्कस किए हैं उनको चलो छोड़ दो, जो पीडीएफ में वो तो सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व होता रट्टे मार लेना। चैप्टर नंबर 9 में पहला एमसीक्यूज है, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना उसका मैग्नीट्यूड किसको रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो अभी रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले रिप्रेजेंट कर रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो रिप्रेजेंट करेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। बाल इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 2 में लिखा हुआ था यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, एक वेक्टर आपको गिवन है और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यार बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो वेक्टर जो आपको गिवन है वो है i प्लस j प्लस k, मतलब i कंपोनेंट भी 1 है, इसके साथ 1 है, j के साथ भी 1 है, k के साथ भी 1 है, ईजी कॉन्सेप्ट है। तो ये वेक्टर गिवन है आपके पास, सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो i के साथ लिखा हुआ है उसको स्क्वायर करो, j के साथ स्क्वायर करो, k के साथ स्क्वायर करो, ये हो जाएगा √3। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया, √3 के बराबर। अब आप वेक्टर लिखो, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, और ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर को आपने मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ठीक है। 3 और 2-3 सवाल हैं जो सेम ही कॉन्सेप्ट के हैं। जैसे 3 में लिखा हुआ है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो, तो याद रखना जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 5 अगर आप देखो, 5 में लिखा हुआ है दो वेक्टर हैं। देखो कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ए डॉट बी 0 आ रहा है तो उसकी रीजन क्या हो सकती है, या तो ए वेक्टर 0 है तभी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या बी वेक्टर 0 है तभी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। या चौथी कंडीशन क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर हों, जब परपेंडिकुलर हों तब भी तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ सकता है ना, ठीक है। अब 5 में लिखा हुआ है कि ए और बी 0 नहीं है, पहले उन्होंने बता दिया कि जो ये 0 होने की 3 वजह है ना उन्होंने खत्म कर दी, उन्होंने बोला ना ए 0 है ना बी 0 है, लेकिन फिर भी डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि वो परपेंडिकुलर हैं आपस में। जब ए 0 नहीं है बी 0 नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब वो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 3 में भी यही कंडीशन थी कि जब वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे डॉट प्रोडक्ट 0, और एमसीक्यू नंबर 5 में भी यही आंसर है कि वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है। 4 पे आ जाओ, 4 में एक वेक्टर गिवन है, कैपिटल ए लिख देता हूँ क्योंकि अननोन ए लिखा हुआ है वहां पे। एक वेक्टर है 2i प्लस 2j प्लस k, और दूसरा वेक्टर है 2aj
प्लस 4k, और यहाँ पे आप को a की वैल्यू निकालनी है, जो a आया हुआ ना इसकी वैल्यू निकालनी है। कंडीशन ये कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो आपको पता है जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो आप सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो और इसको बराबर रखो जीरो के। अब सवाल ये कि आप डॉट प्रोडक्ट निकालोगे कैसे, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका ये है कि जो आई के कंपोनेंट है उनको मल्टीप्लाई करो, जो जे के हैं उनको करो, जो के हैं उनको करो। अब इसमें आई का कंपोनेंट तो है, इस वेक्टर में आई का कंपोनेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब आई को छोड़ दो। नहीं, ये का मतलब इसमें आई का कंपोनेंट जीरो है, तभी आपको नजर नहीं आ रहा। तो जब आप इस टू को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे वो खत्म हो जाएगा ना। जब एक वेक्टर में आई का कंपोनेंट ही नहीं है तो छोड़ दो, फिर आप जे पे आ जाओ। यहाँ पे टू है और यहाँ पे जे का कंपोनेंट टू ए है, तो टू को टू ए से मल्टीप्लाई करो, फोर ए आ जाएगा। यहाँ पे k का कंपोनेंट 1 है और यहाँ पे k का कंपोनेंट 4 है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, और इन सबको आपस में आप ऐड करते हो। अब ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू निकालो, -1 आ गया। 6 में एक पॉइंट गिवन है आपको 1 0 0, दूसरा पॉइंट गिवन है 3 1 -2, और आपको एक वेक्टर निकालना है। वो वेक्टर क्या है, इस सवाल में मिस्टेक है, शुरू में मैग्नीट्यूड नहीं आना चाहिए, शुरू में जैसे आना चाहिए P1 P2, ठीक है। और इस वेक्टर B का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले तो वेक्टर मालूम करो ना, मैग्नीट्यूड तो बाद में आएगा। P1 P2, जो B वेक्टर है ना वो किसके बराबर है, P1 P2 के बराबर है। तो कैसे निकालोगे, जो फाइनल पॉइंट है ना वो आप पहले लिखो। फाइनल पॉइंट कौन सा है, P2, तो आप P2 लिखो पहले, और इनिशियल पॉइंट है वो आप बाद में लिख दो, और इनको आपस में क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो पहले आपने फाइनल वाला पॉइंट लिखा, माइनस जो इनिशियल वाला पॉइंट है वो आपने लिख दिया। अब इनको माइनस करो, 3 -1 2 हो जाएगा, 1 -0, सेम पोजीशन पे जो है उनको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 -0 1 हो जाएगा, -2 -0 -2 होगा। तो ये आपके पास वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसको आप आई जे की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 2i + j - 2 के, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सेम है। अब आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था, तो मैग्नीट्यूड का आपको फॉर्मूला पता है, 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 - 2 का स्क्वायर 4, ये 9 हो जाएगा, 9 का रूट लेना 3 के बराबर आ जाएगा। 7 में आपको बकायदा वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही निकालना है, तो वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड की ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। तो वही काम करो, पहला कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, दूसरा कंपोनेंट है -√3, -√3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है -√5, -√5 का स्क्वायर करो 5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करो, √9 बराबर होता है 3 के। 8 में लिखा हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a·b×c, तो ये मैटर नहीं करता कि आप a. डॉट ये चीज लिखो या b·a लिखो, मतलब a पहले लिखो या a बाद में लिखो, मसला नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव होता है। आप a शुरू में लिखो या बाद में लिखो, बात एक ही होती है। तो a·b×c लिखो, या ऑप्शन नंबर d में लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, अच्छा अच्छा मैं बता देता हूँ क्या कॉन्सेप्ट है, एक सेकेंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप ऑप्शन नंबर, ये बुक का ही है लेकिन आपने शायद अगर पढ़ा होगा तो आपको समझ आ जाएगी, a, b, c वो तो अजीब से हैं, सेंस ही नहीं बन रही उनकी, इस तरह भी आप MCQ कर सकते हो, बाकी ऑप्शन की सेंस ही नहीं बन रही होती। डी को आपने चेक करना है, डी में देखो बाहर सी है, तो सी को आपको बाहर लाना है, तो कैसे लाओगे, अगर आप इस सी को बाहर लेकर आना चाह रहे हो तो आप किस तरह लेकर आओगे, आप जब सी को बाहर लेकर आओगे तो बी को इसकी जगह ले जाना, ए को इधर ले आना। दोबारा बताता हूँ, अगर आप सी को बाहर लेकर आना चाह रहे हो, ठीक है, तो अब बी को सी की जगह पर ले जाओगे, ए को अंदर ले जाओगे, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बी को भी बाहर लेके जा सकते हैं, अगर आप बी को बाहर लेके जाना चाह रहे हो
इस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से लेके जाओ तब भी एक ही बात होगी, इस फॉर्मूले से लेके जाओ तब भी एक बात है। कह रहा बी को बाहर लेके जाना चाह रहे हो, ए को उधर ले जाओ, सी को अंदर ले आओ, इस वाले फॉर्मूले से वही काम कर सकते हो। अगर आपको बी बाहर चाहिए तो बी अगर बाहर आएगा तो सी इसकी पोजिशन पर आ जाएगा और ए उठ के उधर चला जाएगा। अब अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो मैं क्या कह सकता हूँ, बस को सिंपल इस तरह जहन में रख लो कि जिसको आप बाहर लेके जा रहे हो ना तो जो अंदर है वो उसकी पोजीशन ले लेता है और बाहर वाला दूसरी पोजीशन पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे आपने बी बाहर निकाला तो ए ने फौरन बी की पोजीशन ले ली और सी जो है वो ए की जगह पे आ गया, ठीक है। बहरहाल ये वाला भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाया जाता है, ये वाला भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाया जाता है, ये वाला भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाया जाता है। तीनों सेम है, तीनों बराबर में आपस में, ठीक है। तो ऑप्शन में ये चीज लिखी हुई है, सॉरी सवाल में चीज लिखी हुई है और आपके ऑप्शन अगर आप देखो ऑप्शन नंबर डी में ये लिखा हुआ है। अब सी आप शुरू में लिखो या सी बाद में लिखो बात एक ही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 9 में लिखा हुआ है ये, अच्छा इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, जो मैंने ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा हुआ है इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ए बी सी ए की मतलब है, इस नोटेशन में भी लिख सकते हो, इस नोटेशन में भी लिख सकते हो। तो जब तीन वेक्टर्स को प्लेनर होते हैं ना, मतलब ए की प्लेन के ऊपर लाए कर रहे हो, तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जीरो के बराबर होता है। जब वेक्टर्स को प्लेनर हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है। 10 में लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज, देखो जो आई है ना उसको वेक्टर की फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो, जे जो है उसको वेक्टर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो, के जो है उसको वेक्टर की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो आई पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। और 11 जो है यार वो एमसीक्यूज बड़ा पकाऊ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। ये पास पेपर में आया हुआ तो मेरी मजबूरी है करवाना, पहले मैं देख लूँ वीडियो बंद तो नहीं हुई, शुक्र है। बस आखिरी एमसीक्यूज है, लिखा हुआ है भाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई नहीं क्रॉस प्रोडक्ट है ये, क्योंकि वेक्टर्स है ना, वेक्टर्स में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही होगी। जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो ना वैसे ज़रा करके देखते हैं, ए को सबसे पहले ए से करो लेकिन दरमियान में क्रॉस ही डालना, ए को फिर बी से करो तो दरमियान में पॉजिटिव आएगा ए क्रॉस बी, अच्छा फिर माइनस बी को ए से करो माइनस बाहर आ गया बी क्रॉस ए, फिर माइनस बी को इस पॉजिटिव से करो माइनस पॉजिटिव माइनस बी को बी से करो तो ये हो जाएगा बी क्रॉस बी। तो जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हो वैसी मैंने की है, याद रखना सेम वेक्टर के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, मतलब ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, सेम वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, तो पीछे दो टर्म बच जाएंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को जहन में रखना कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है ना, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कमुटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी जो है ना वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। तो सवाल ये कि किसके बराबर होता है, वो माइनस टाइम बी क्रॉस ए क्रॉस के बराबर होता है, नहीं बी क्रॉस ए के बराबर होता है, मतलब ए क्रॉस बी जो है वो बराबर होगा माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो जो ए क्रॉस बी है ना, अच्छा ऑप्शन में ए क्रॉस बी सही है, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, आप इस माइनस को यहाँ पे भी शिफ्ट करवा सकते हो, एक ही बात है कि बी क्रॉस ए किसके बराबर है, माइनस टाइम ए क्रॉस बी, ठीक। ये जो बी क्रॉस ए नजर आ रहा है ना, ये बी क्रॉस ए जो है इसके जगह आप पुट कर दो माइनस ए क्रॉस बी, तो माइनस ए क्रॉस बी। तो मैंने अभी क्या किया, बी क्रॉस ए की जगह मैंने पुट कर दिया माइनस ए क्रॉस बी, माइनस माइनस ये हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है, ए क्रॉस बी ये हो जाएगा टू ए क्रॉस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ठीक है। यार मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बेहतरी करें, ख्याल रखना बच्चों अपना, अल्लाह हाफिज़।